हेलो बच्चों वेलकम टू पढ़ले नीट पढ़ले नीट पे सही बच्चों का स्वागत है बच्चों मैं आपका बॉटनी मेंटर बॉटनी टीचर सलमान अनवर खान हूं बच्चों तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं हैं लिविंग वर्ल्ड पढ़ने वाले बच्चों ये इसका लेक्चर नंबर टू होने जा रहा है ठीक है तो पहले उससे पहले देख लेते हैं बच्चों हमने लेक्चर नंबर वन में क्या क्या देखा था ठीक है तो लेट्स गो हेर एनसीड एनसीआरटी में तीन डिफाइनिंग फीचर्स मेंशन कर रखे हैं कौन कौन से सेलुलर स्ट्रक्चर या Structure, and taxonomy के ये दो बेसिक मैं फिर से समझाता बच्चे हुआ क्या? क्या अब आपने क्या क्या? पहाड़ पे गए। तो बच्चों तो बच्चो आज के इस लेक्चर में ठीक है आज हम पूरी कोशिश करेंगे इसका पूरा का पूरा लेक्चर खत्म करें थोड़ा सा लंबा हो सकता है बच्चे लेकिन आपको अच्छे तरीके से पूरा लेक्चर देखना है पढ़ना है और क्या करना है बच्चों समझना है तो आप देख सकते हैं बच्चों मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे थे आप सबसे और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से किए ठीक है बहुत सारे बच्चों के हैं, तो आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं और बच्चे आज की भी क्लास में वह बहुत सारे लेके आ रहा हूं अलग अलग क्विजे लेके आ रहा हूं उन सारे क्विजेस का क्या करना है बच्चों आपको जवाब देना है कहां देना है बच्चों वीडियो को वहीं रोकेगा कमेंट सेगमेंट में आंसर दीजिएगा मैं आज उनका कोई आंसर नहीं दूंगा ठीक है उन सब का कोई आंसर नहीं दूंगा आपको अपना दिमाग लगा के पूरा लेक्चर L1, L2 देख के आपको आंसर्स दिखाना है ठीक है आपको खुद से सारे आंसर्स देने हैं ठीक है आपको भी अपना नाम चाहिए कि नहीं जैसे कि मार्वल्स एडिट है एडियोपात इट्स ध्रुवी लावण्य तक हर्षित कोटा गेमर द डेविल गेमिंग उन्होंने दोनों आंसर दिए ज्योति प्रणव एंड कोटा गेमर वापस ठीक है तो आप लोगों को भी क्या करना है बच्चों अगर अपना नाम पढ़वाना है है मुझसे तो आपको क्या करना है बच्चों कमेंट सेगमेंट में जाके आंसर्स करने हैं यार आंसर्स करोगे मैं नाम लेके आऊंगा ठीक है उसके लिए क्या करना है पूरी वीडियो तो देखनी है तो चलते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर पे तो बच्चे हमने लास्ट क्लास तक कहां तक पढ़ लिया था बच्चों मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया था इज इजोनमी वो बताया था ठीक है उसके अंदर हमने क्या देखा था बच्चों फोर बेसिक एलिमेंट्स देख लिया था कैसे भी किसी भी कैसे किसी नई चीज को ढूंढते हैं तो उसके चार बेसिक एलिमेंट्स क्या थे बच्चे आपका था कैरेक्टराइजेशन सबसे पहले हम उस चीज को ढूंढेंगे कैरेक्टराइज करेंगे जैसे पेन मिला तो उसको कैरेक्टराइज किया उसके इंटरनल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी सब कुछ देखा फिर क्या किया बच्चों आइडेंटिफिकेशन हमने सारे प्रेजेंट ग्रुप के साथ क्या किया उसकी मैचिंग की देखा कि भैया सब कुछ सही है कि नहीं सब कुछ सही है कि नहीं है यह किसी ग्रुप से मैच कर भी रहा है कि नहीं है अगर कर गया तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर नहीं किया तो भैया चांदी ही चांदी आप साइंटिस्ट बन जाओगे आपका नाम गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा फिर क्या करेंगे क्लासिफिकेशन सेम ग्रुप अगर अगर ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप है तो उसी में डाल देंगे अगर आप नया ग्रुप है अगर ये नया है तो एक नया ग्रुप बनाएंगे एंड फिर करेंगे क्या उसका नॉमन तो बच्चे ये जो नॉमन क्लेचर बच्चे ये आपने क्लास नाइन्थ में भी पढ़ा है ठीक है क्लास नाइन्थ में भी बच्चे आपने नॉमन क्लेचर की, की शुरुआत की थी तो नॉमन क्लेचर है क्या सबसे पहली चीज हमें ये जानना है नॉमन क्लेचर होता क्या है सर नॉमन क्लेचर क्या है बच्चे इट इज प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक नॉमिनक्लेचर क्या है बच्चे प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक कॉमा डिस्टिंग्विशिंग एकदम अलग नेम देना डिस्टिंग्विशिंग प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक कॉमा डिस्टिंग्विशिंग नेम टू एन ऑर्गेनिजम एक ऑर्गेनिज्म को क्या करना बच्चों स्पेसिफिक नेम देना एक एकदम स्पेसिफिक सा यूनिक सा नाम देना ठीक है उसको हम क्या हैं जैसे कि मैनजी फेरा इंडिका भैया काफी ज्यादा यूनिक नाम है किसी किसी नॉर्मल इंसान का नाम होता है क्या हेलो आई एम एम मैनजी फेरा इंडिका कोई बोलता है या कोई आके आपको ऐसे बोले हेलो माय नेम सेरिवेसी बूम ठीक है तो ये स्पेसिफिक नेम है

<laughs> हमारे सलमान खान दूसरे वाले सलमान खान है ठीक है उनके लिए से मुझसे मत कंपेयर करना कभी भी ठीक है वो सलमान खान वो लॉरेंस वाले अलग थे कैटरीना वाले सलमान खान अलग है तो इसमें मैं बेसिकली आपको क्या बता रहा हूं बच्चों स्पेसिफिक नाम देना जैसे सलमान खान बहुत सारे ठीक है सलमान सर हैं एक सलमान अनवर खान देन यू हैव अ सलमान नेम के एक डांसर है देन यू हैव अ सलमान खुर्शीद देन यू हैव अ बहुत सारे सलमान नाम के एन नंबर्स हर जगह पे रॉक कर रहे हैं हर जगह पे बच्चों रॉक करें जैसे कि मैं एजुकेशन में सलमान खान इज एन एक्टिंग सलमान खान सलमान खुर्शीद बहुत हैं एक नाम जैसे कई सारे नाम वाले एक ही नाम के कई सारे दोस्त हैं कि नहीं बताएंगे तो इसमें वो चीज नहीं होगी हम क्या देते हैं बच्चों प्रोवाइड करें स्पेसिफिक एंड डिस्टिंग्विशिंग नेम टू एन ऑर्गेनिज्म ठीक है स्पेसिफिक एंड डिस्टिंग्विशिंग नेम दे रहे हैं। अब ये जो नाम है बच्चे ये दो तरीके के हो सकते हैं दीज नेम्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स एक होता है क्या बच्चे वर्नेक्युलर नेम एक होता है बच्चे आपका वर्नेक्युलर नेमिंग और दूसरी नेमिंग क्या होती है बच्चे आपकी साइंटिफिक नेमिंग दूसरी कैंसि कौन सी होती है बच्चे आपकी साइंटिफिक नेमिंग वर्नाकुलर नेमिंग कौन सी होती है बच्चे जो कि लोकल पीपल देते हैं लोकल पीपल देते हैं लोकल नेम होता है बच्चे जैसे कि आपको मैं समझाऊं चलो पहले हम लिख ही लेते हैं नेमिंग 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 यहां पे ठीक है लेट्स स्टार्ट विद ओनली बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम है ये वर्नाकुलर नेमिंग जैसे कि बच्चे आपका सबका बहुत सारे बच्चों के होंगे यहां पर दो दो नाम होंगे घर का नाम मिंटू सिंटू चिंटू हैप्पी सिंह ठीक है घर के नाम होते हैं भाई मिंटू हो गया चिंटू हो गया छोटू हो गया कालू हो गया बहुत सारे अलग 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 अलग, अलग, अलग हम लोग क्या करते हैं नाम रखते हैं लेकिन क्या वही नाम वही नाम आप बेटा अपनी मार्कशीट पे लिखते हो नहीं सबका एक अलग, अलग अलग नाम है मेरा भी एक घर का पेट नेम है सबका होता है पेट नेम ठीक है एक घर का सबका छोटा 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 छोटा, छोटा, छोटा बहुत लोग का होता है सबका तो नहीं कहूंगा बहुत लोगों का पेट नेम होता है ठीक है तो वो जो लोकल नेम है जो आपका घर वाला नाम है उसी को हम क्या बोलाते वर्नैकुलर नेम वर्नैकुलर नेमिंग बेसिकली क्या होता है बच्चों इट्स अ लोकल नेम लोकल नेम देने को हम क्या बुलाते हैं बच्चों वर्नैकुलर नेमिंग ठीक है एकदम एक लोकल सा नाम है ठीक है घर का नाम होगा जैसे बिट्टू सिंटू चिंटू ठीक है बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं चाहे वो डांट के पुकारे घर वाले चाहे प्यार से पुकारे घर वाले सबका अलग अलग नाम होता है सो वी हैव अ लोकल नेमिंग लोकल नेम होता है और ये किस कौन देता है बच्चे आपके लोकल पीपल इट इज बीन गिवन अप बाय लोकल पीपल ठीक है लोकल पीपल देते हैं लोकल नेम ठीक है लोकल पीपल ने दिया है लोकल नेम अब इसके अंदर में सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चे ये अगर मैं साइंस के बारे में बात करूं ये तो हमारे नॉर्मल हो गया अगर मैं साइंस के बारे में बात करूं ये जो नेम होते हैं ना बच्चे ये एरिया टू एरिया क्या कर जाते हैं चेंज कर जाते हैं द नेम चेंजेस फ्रॉम एरिया टू एरिया ये जो लोकल नेम होते हैं बच्चे द नेम चेंजेस फ्रॉम चेंजेस फ्रॉम एरिया टू एरिया एरिया टू एरिया ये क्या करते हैं बच्चों नाम डिफर करते हैं जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं बच्चे जैसे कि गुलाब आप सबको पता है गुलाब आप सब लोगों ने दिया भी होगा किसी ना किसी ने कभी ना कभी तो गुलाब तो दिया ही होगा ठीक है रोज को हम क्या बोलते हैं बच्चे रोज ठीक है इसको हम रोज बोलते हैं ठीक है अब रोज को हिंदी में क्या बुलाते हैं बहुत लोगों है। को तो पता होगा ठीक है आप सबको पता है उसको हम क्या बुलाते हैं गुलाब बुलाते हैं ठीक है रोज को हम हिंदी में क्या बुलाते हैं बच्चे गुलाब बुलाते हैं रोज को हम हिंदी में क्या बुलाते हैं बच्चों गुलाब बुलाते हैं बंगाली में क्या बुलाते हैं बच्चों गोलाब बंगाली में रोज को हम क्या बुलाते हैं बच्चों गोलाब बुलाते हैं ठीक है बंगाली में हम इसको क्या बुलाते हैं बच्चों गोलाब बुलाते हैं और वहीं पर तमिल में इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चे तमिल में हम इसी रोज को हम बुलाते हैं राजोपा ठीक है तमिल में हम इसको क्या बुलाते हैं राजोपा बुलाते हैं और वहीं कन्नड़ में बच्चे देखो बच्चे मैं कई साल कन्नड़ में मतलब में रहा हूं काफी साल कर्नाटका में रहा हूं तो मुझे पता है और इनफैक्ट मैं तमिल में भी रहा हूं तो मुझे पता है इसको राजोपा बुलाते हैं कन्नड़ में बच्चे उसको बुलाते हैं गुलाबी रंग से ही पकड़ लिया उन्होंने इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चे गुलाबी बुलाते हैं तो बच्चे आप देख सकते हैं कि हर एरिया में अगर हम देखें हर एरिया में इसका नाम बदल रहा है रोज का नाम गुलाब का नाम हर एरिया में क्या हो रहा है बच्चे चेंज होता जा रहा है अब आप बताएंगे आपके एरिया में गुलाब को क्या बुलाते हैं आपके एरिया में गुलाब को क्या क्या बुलाते हैं ठीक है है तो ये नाम क्या करता है बच्चे हर एरिया में बदलता जाता है बदलता जाता है जैसे कई एरिया में कद्दू को सीताफल बुलाते हैं अलग अलग नाम होते हैं बच्चे मैं खुद परेशान हो गया था जब मैं साउथ इंडिया गया था तो अलग अलग नाम है जैसे कि वहां पे वो कुकुंबर को बुलाते हैं कुंबर को बुलाते हैं सौतिकाई सौतिकाई बुलाते हैं तो हर जगह पे इसका नाम बदल रहा है एरिया टू एरिया क्या कर रहा है बच्चों नाम बदल रहा है अब ये मान के रखो अब किसी को किसी को लेट सपोज मैं कन्नड़ में गया कर्नाटका में गया और मैंने गुलाब बोला उसको कर्नाट वो उसको हिंदी नहीं आती तो वो क्या बोलेगा ए क्या बोल रहा है भाई मतलब ऐसे बोलेगा नहीं उसका मतलब यही होगा क्या बोल रहे हो भाई ये क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है area area और ये कोई साइंटिफिक रीजनिंग के बेसिस पे नहीं दिया गया था साइंटिफिक रीजन नहीं होता है बच्चे आपके वर्नैकुलर नेम का बस ताकि लोकल लोग क्या कर सके बच्चों इसको जान सके अच्छे तरीके से प्रचलित हो सके नाम ठीक है तो लोकल नेम होता है बच्चों ये कौन देता है बच्चे लोकल पीपल कोई साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये चेंज करता है बच्चों ये नाम क्या करता है बच्चों चेंज करता है फ्रॉम एरिया टू एरिया एक एरिया से दूसरे एरिया में क्या करता है बच्चे नाम चेंज करता है अब इसी में बच्चे दूसरा नाम आता है कौन सा आपका दूसरा आता है आपका साइंटिफिक नेमिंग द नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक नेमिंग अब ये जो साइंटिफिक नेमिंग है बच्चे ये कौन देता है बच्चों इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट ये कौन देता है बच्चे ये साइंटिफिक नेमिंग जो पूरी की पूरी होती है बच्चों ये कौन देता है बच्चों इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट ठीक है स्पेसिफिक साइंटिस्ट बच्चों इसको क्या देते हैं बच्चों इसका नामकरण देते हैं इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट और ये होता है बच्चों इसके अंदर में एग्रीड विथ रूल्स एंड रेगुलेशन ये सारे के सारे नाम एग्रीड करते हैं किसे एग्रीड एग्रीड विथ रूल्स एंड रेगुलेशन ये सारे के सारे नाम रखने का क्या है बच्चों एक स्पेसिफिक रूल होता है और एक क्या है बच्चों रेगुलेशन है एक पूरी की पूरी कमिटी सेट है बच्चों जो कि हमारे साइंटिफिक नेमिंग देती है ये नहीं कि भैया ये नहीं कि दादी ने उठाया दादी ने उठाया अच्छा ये तो बहुत ही ज्यादा गोरा है तो इसको हम कल से सफेदा बुलाएंगे स्कूल में जा रहे हैं। ए, सफेदा इधर <laughs> कितना अजीब लगेगा ठीक है वहीं पे अगर कोई ए सलमान इधर आना शाहरुख इधर आना आमिर इधर आना ए, सैफली इधर आना अच्छा लगता है सफेदा इधर आना अच्छा नहीं लगेगा ना सो so, ये सारे के सारे नाम क्या है बच्चों ये हमारी दादी अम्मा ने नहीं रखा है ये ने रखते हैं. एग्रीड रेगुलेशन स्पेसिफिक रूल्स होते हैं एंड स्पेसिफिक क्या होते हैं बच्चे इसके अंदर में रेगुलेशन होते हैं और ये सारे के सारे नाम कैसे हैं बच्चों यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड अब हम लोग नहीं यूज करते कॉमन टाइम पे हम लोग कॉमन करते हैं आप आपको, है है। आपको क्या देना है किसी को गुलाब देना है ठीक है कोई दिन आ रहा है एक स्पेसिफिक दिन पे गुलाब दिया जाता है आपको गुलाब देना है ठीक है आप गए उसके पास और उनसे बोला अरे भैया एक रोजा इंडिका देना एक रोजा इंडिका देना वो देगा क्या आपको वो डांट देगा और कुछ नहीं देगा वो रोज़ा इंडिका नहीं देगा वो आपको डांट देगा और कुछ भी नहीं देने वाला है क्यों क्योंकि ये एक साइंटिफिक नेम है जो साइंटिस्ट ने दिया है बट हम लोग जो अपने कॉमन लाइफ में यूज करते हैं वो कौन सा देते हैं बच्चे हम यूज करते हैं आपके कॉमन नेम्स ठीक है हम अपने लाइफ में ये नेम यूज करते हैं वर्नाकुलर अपने बोलने चालने में हम यही नेम यूज करते हैं बट स्पेसिफिक नेम यही होता है मतलब अगर आप किसी लैब में गए अगर किसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में गए तब आप वो नाम बोलोगे तो उनको जहन में क्लिक कर जाएगा उनके जहन में क्लिक कर जाएगा चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो यूएस में हो चाहे वो कनाडा में हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे वो यूके में हो कहीं पे भी हो दुनिया के किसी चाहे वो वो हमारा बांग्लादेश क्यों ना हो बांग्लादेश चाहे वो श्रीलंका क्यों ना हो वहां पे भी सेम रहेगा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं अब ये जो साइंटिफिक नेम है बच्चे ये साइंटिफिक नेम दो तरीके के होते हैं दिस साइंटिफिक नेम इज ऑफ टू टाइप्स ठीक है ये होता है क्या कौन सा बच्चे बाइनोमियल नॉमिनक्लेचर बायनोमियल नॉमिनक्लेचर एंड वी हैव ठीक है इनके बारे में हमें क्या करना है बच्चे डिटेल में पढ़ना बाइनोमियल नॉमिक्लेचर एंड ट्राइनोमिल नॉमिनक्लेचर के बारे में हमें समझना है बच्चे बायोनोमिलेचर बच्चे आपने ये बायोनोमिलेश बच्चे आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था वही सारे के सारे रूल लगेंगे यहां पर जो अपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था बच्चे वही एग्जैक्ट वही रूल्स लगेंगे भैया साइंस बदलती नहीं है साइंस बदलती नहीं बॉल ऊपर जा रही है अगर मैं बॉल वो सॉरी एक सेब नीचे आ रहा है तो सेब नीचे ही आएगा उड़ के ऊपर नहीं चला जाएगा शक्तिमान थोड़ी ना है अब उसको जानने से पहले बच्चे आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी यू हैव टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ देयर हिस्ट्री कहां से इस सब की चीज की शुरुआत हुई कैसे शुरुआत हुई तो हम जानेंगे क्या वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है हम कॉन्ट्रीब्यूशन जानेंगे कि क्या क्या इसके अंदर में कौन कौन से साइंटिस्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा ठीक है उन्होंने क्या किया उनकी किताब के बारे में और किस साल में दिया था बच्चों उसके बारे में जानेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन साइंटिस्ट नेम बुक एंड ईयर तो बेटा सबसे पहला इसका जो प्रपोजल था द प्रपोजल ऑफ नोमि प्रपोजल किसने दिया था बच्चों गैसपार्ड बोहीन ने दिया था और उन्होंने एक किताब लिखी थी बच्चों जिसका नाम है अब आप पूछोगे सर हमें याद करना है क्या ये हाँ बेटा याद करना है याद करना है बच्चे और जो सन था बच्चों वो ईयर था कौन सा 1623 में पहली किताब दी गई थी प्रपोज किया था कि भैया हमें सबका एक साइंटिफिक नेम देना बहुत जरूरी है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है पूरा मगज हिल जा रहा है भैया ठीक है अब दूसरा क्या थी यह बच्चे फिर आया प्रिंसिपल्स दिए तब किसी ने पकड़ा कौन पकड़ा भैया कार्लस लिनिस भाई साहब कार्लस लिनिस भैया दामाद हैं भैया यहाँ के बॉटनी के तो दामाद हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट यही है

किताब का पहला यूसेज आया बच्चों ठीक है किताब का पहला यूसेज आया ये क्या था बच्चों ये किताब कौन सी थी स्पीशीज थी थी जिसने कार्लस ने दी इन द ईयर 1753 बच्चे ईयर तो नहीं पूछा गया था ईयर तो नहीं पूछा गया था लेकिन रीसेंट में बच्चे ये नीट एग्जाम में पूछा गया था रीसेंट में बच्चे ये आपके नीट एग्जाम में पूछा गया था कि भैया कार्लस लिनियस की कौन सी किताब थी तो कार्लस लिनियस ने बच्चे तीन किताब दी याद रखेंगे आप लोग कार्लस ने तीन किताब दी मतलब सोच रहे हो दस साल के में अंदर दस साल के अंदर में उन्होंने तीन इंपॉर्टेंट किताबें दे दी जो कि आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कौन कौन सी सिस्टम सिस्टम स्पीशीज प्लेनेटोरम एंड आपकी का बोटेनिका में क्या दिए बच्चे उन्होंने ऑफ प्रिंसिपलचर दिए ठीक है? और ये जो थी बच्चे आपकी द फर्स्ट वैलिड ये क्या है किताब लिखी गई थी किसके लिए प्लांट्स के लिए लिखी गई और सिस्टम किसके लिए लिखी गई बच्चे एनिमल्स के लिए लिखी गई ये एक जनरल बुक लिखी थी इन्होंने ये दो किताबें स्पेसिफिक ही स्पीशीज प्लेटर प्लांट्स सिस्टम नेचुरल एनिमल्स बच्चे ये नीट में थी आसान है लेकिन हम भूल जाते हैं उस टाइम तो ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा तो सेकेंड यूसेज किसकी थी अपॉन एनिमल्स थी किताब कौन सी थी सिस्टम एटीशीज प्लेटोर प्लांट्स के लिए दिमाग खोलो अभी आपको क्या करना है ठीक है मैं जस्ट बोल रहा हूं स्कैल्प खोलो कॉपी में लिखो उतार दो ब्रेन में छाप दो भैया ये अब आप बोलोगे सर कैसे याद करूं कैसे याद करूं सर हमें चीजें याद नहीं हो पाती हम क्या करते हैं सर अभी आपने पढ़ाया बहुत मजा आ गया बहुत मजा आया लेकिन हमें चीजें याद नहीं हुई बेटा एक टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको फॉलो कर लो एक टेक्निक है बच्चे आपको क्या करना है बहुत अच्छे से फॉलो करना है आप इन सारी चीजों को A4 शीट पेपर पे लिखो किसी A4 शीट पेपर आराम से सस्ती मिलती है बेटा A4 शीट पेपर ले लो या फिर अपनी कोई सी भी कॉपी के पेपर पे लिखो अच्छे से अच्छे से सजा के लिखो दीवार पे पेस्ट कर दो सजा के लिखो दीवार पे पेस्ट कर दो आंख खुली जैसे ही आंख खुली सुबह आंख खुली पढ़ लिया चलते फिरते पढ़ लिया दोपहर में खाना खा रहे हैं मस्ती में खाना खा रहे हैं सामने नजर पड़ी पढ़ लिया शाम को टीवी देख रहे हो शाम को टीवी देख रहे हो मोटू पतलू आता है आजकल तो कार्टून नेटवर्क सपोज आप इनडायरेक्टली भी चीजें पढ़ रहे हो ये समझो अगर आप इस तरीके से नोट्स अपनी दीवार पे चिपकाते हो तो ये नोट्स दीवार पे चिपकाना एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है इन सारे कॉम्प्लिकेटेड नाम को याद करने का तरीका है मार्क मै वर्ड दिस स्कैन दिस कैन क्रिएट अ हिस्ट्री फॉर यू दिस कैन क्रिएट अ मार्केटिंग थिंग ये एक ऐसा मार्केटिंग थिंग एक ऐसा बेहतरीन पॉइंट है बच्चे जिसको आप टॉप पर बनोगे ठीक है ये पॉइंट लिख लो कहीं पे कि आपको ये सब कुछ उतारना है कहीं पे यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन समवेयर ठीक है कहीं पे लुतारो चिपका दो तो, ये करो ठीक है आगे बढ़ते हैं लेट्स गो हेट अब बेटा ये जो जो अब अब जो हम नॉर्मन क्ली से फॉलो करते हैं बच्चे इसके पांच कोर्स हैं ठीक है आर फाइव कोर्ट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम जो आपके स्टैंडर्डाइज करते हैं बच्चों नाम को ये पांच ये पांच कोर्ट आपके नाम को क्या करते हैं स्टैंडर्डाइज करते हैं जैसे कि प्लांट्स का नाम प्लांट्स का नाम कौन देता है बच्चों इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमचर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये भी बच्चे एक टाइम पे नीट एग्जाम में पूछा गया है फुल फॉर्म पूछ दी गई है बहुत मैंने आपको बताया इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है एक क्वेश्चन आएगा बच्चों जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है हर साल में कुछ ना कुछ इसके ऊपर पूछा पूछा गया गया इजी क्वेश्चन है है बच्चे तो नीट में फुल फुल फॉर्म की फॉर्म आपको बता चल बता देता हूं मैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमिन क्लेचर देन वी हैव ये किसके लिए बच्चे कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए होता है इंटरनेशनल कोड फॉर द नॉमिन क्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स जो कि आप उगा रहे हैं प्लांट्स को अब आपको दो होमवर्क दे रहा हूं बच्चे दो छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं अगर आप लोग नहीं जवाब दे पाओगे तो मैं कमेंट सेगमेंट में जवाब दे दूंगा ये दो होमवर्क दे रहा हूं बच्चों आपको मैं अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन को रोको आंसर करो ये आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है थोड़ा सा गूगल का यूज अच्छे से तरीके से इस्तेमाल करो ठीक है आईसी की फुल फॉर्म क्या है एंड आईसी की फुल फॉर्म क्या है हिंट दे रहा हूं बच्चों आईसी सेटन इज फॉर एनिमल्स आईसी एनबी इज फॉर बैक्टीरिया कौन देता है बच्चो आईसीटीबी देता है इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरस ठीक है तो ये पांचों कोड आपको याद करना है यह नीट एग्जाम में, तो में पूछा गया है ठीक है तो इट इज बीन आज इन योर नीट एग्जाम में आ चुका है ये आगे बढ़ते हैं बच्चे

भाई देते हैं सब कुछ उन्होंने ही दिया इसके अंदर में इसको समझने के लिए इसको समझने के लिए हम एक नीट 2018 का क्वेश्चन पकड़ेंगे नीट 2018 का एक क्वेश्चन पकड़ेंगे बच्चों उसमें पूछा गया था बच्चों उसको समझने के लिए यहां पे पूछा गया था मैंगो मैंगो का साइंटिफिक नेम पूछा गया था बच्चे आप क्लास नाइन्थ में पढ़े थे अब ये सोचो ये नीट 2018 का जो क्वेश्चन था ये एज इट इज आया है कहां से बच्चों क्लास नाइन्थ से क्लास नाइन्थ में था ये बच्चे नीट 2018 का क्वेश्चन क्लास नाइन्थ से पूछा गया सोच सकते हो आप लोग क्लास नाइन से पूछा था बस थोड़ी सी एक चीज ऐड कर दी गई थी वो भी मैं आपको समझाऊंगा तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है बच्चे मैंजी फेरा मैंजी फेरा इंडिका ठीक है मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चे मैंजीफेरा इंडिका है बच्चे आपका मैंगो का साइंटिफिक नेम ठीक है मैंजीफेरा इंडिका ठीक है ये है बच्चे इसका साइंटिफिक नेम अब इसके अंदर में कुछ की पॉइंट है जो कि आपको याद करने है. पहला नाम बच्चे द फर्स्ट नेम इज जीनस जो पहला नाम होता है बच्चे द फर्स्ट नेम इज ऑलवेज जीनस या क्या बुलाते हैं बच्चों जेनेरिक एपिथेट जेनेरिक एपिथेट बुलाते हैं इसको फर्स्ट नेम क्या है बच्चे हमेशा जीनस होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं जेनरिक एपेथेट द सेकंड नेम ये जो सेकंड नेम है बच्चे जो दूसरा नाम है उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों स्पीशीज बुलाते हैं वी कॉल देम एज स्पीशीज या क्या बुलाते हैं बच्चों स्पेसिफिक एपेथेट दूसरा नाम क्या है बच्चे आपका स्पीशीज है जिसको हम क्या बुलाते हैं है। है है, है है? कुछ बहुत सारे रूल्स थे बच्चे हम सारे रूल्स तो नहीं पढ़ते लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ते हैं ठीक है तो फर्स्ट नेम जीनस जिसको हम जनरिक एपिथेट भी बुलाते हैं सेकंड नेम क्या होता है बच्चे जैसे दो नाम है जैसे मेरा नाम है सलमान अनवर तो सलमान वैसे जीनस तो नहीं मैं ठीक वो आता है लगे बस समझाने के लिए बोल रहा हूं सलमान क्या हो गया जीनस हो गया अनवर क्या हो गया बच्चे आपका स्पीशीज हो गया समझने के लिए ये कोई हाइपोथेटिकल है ठीक है तो इसी तरीके से मैं फर्स्ट नेम इज इजीनस सेकेंड नेम इज स्पीशीज अब जो जो बेटा पहला पहला नाम का जो पहला अक्षर है द द फर्स्ट वर्ड ऑफ लेटर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द लेटर इज ऑलवेज कैपिटल ऑफ जीनस वेन एवर वी आर गोइंग टू यूज दिस ऑलवेज रिमेंबर इट ऑलवेज रिमेंबर इट द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज ऑलवेज कैपिटल फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज इज कैपिटल सॉरी इज इन स्मॉल द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज इज ऑलवेज स्मॉल राइट रिमेंबर दिस वेरी केयरफुल रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली द फर्स्ट लेटर द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज ऑलवेज कैपिटल द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज इज ऑलवेज ऑलवेज स्मॉल राइट यह आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा है ठीक है यह हमेशा किसमें होता है बच्चे द नेम ये नाम हमेशा बच्चे हम किस में लिखते हैं लैटिन में लिखते हैं द नेम इज ऑलवेज इन लैटिन नाउ द क्वेश्चन इज वाई अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर ऐसा क्यों हम लैटिन में ही क्यों लिखते हैं पूछो भैया पूछो 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 पूछने में क्या जा रहा है पूछ सकते हो अब हम लैटिन में क्यों लिखते हैं बच्चे ये लैटिन में इसलिए लिखा जाता है वाई इट इज बीन रिटन बिकॉज ये क्या है बच्चे एक डेड लैंग्वेज है नो वन यूज दिस लैंग्वेज ये एक डेड लैंग्वेज है हम अपने नॉर्मल बातचीत में ये लैंग्वेज नहीं यूज करते किसी भी कंट्री में कहीं पे भी ये लैंग्वेज नहीं यूज की जाती लैटिन लैटिन एंडिंग एंडिंग वाली language. वाली लैंग्वेज ठीक है लैंग्वेज नहीं यूज की जाती वाई बिकॉज इट्स अ डेड लैंग्वेज अब हम इसको यूज नहीं करते पहले इस्तेमाल किया करते थे ठीक है इट्स अ लैटिन लैंग्वेज ये एक डेड लैंग्वेज है ठीक है अब हमेशा हमेशा क्या करते हैं बच्चों इफ प्रिंटेड अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं इफ प्रिंटेड If printed, it should be in italics. अगर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं बच्चों तो ये हमेशा किसमें होना चाहिए ये इटैलिक्स में होना चाहिए इफ प्रिंटेड इट शुड बी इन italics. इफ हैंड ठीक है अगर हम इसको हैंड रिटिन करें इफ प्रिंटेड इट शुड बी इटैलिक्स ये हमेशा इटालिक्स में होना चाहिए इफ हैंड रिटिन अगर हम हाथ से लिख रहे हैं इट शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली इफ हैंड रिटिन इट शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली इट शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली जैसे मैंने किया है जैसे मैंने किया है

एल आई एन फुल स्टॉप अब आप देखो बच्चे मैंने क्या लिखा एल आई एन एन फुल स्टॉप ये क्या किया है बच्चे साइंटिस्ट नेम या ऑथर्स नेम इज रिटन इन एंड एंड इसको मैंने क्या किया एब्रिवेटेड साइंटिस्ट नेम ये कंडीशनल है बच्चे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपके एग्जाम में आए तो फिर आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही चीज एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट नीट दो में पूछा गया था साइंटिस्ट नेम जो है बच्चे द साइंटिस्ट नेम इज साइंटिस्ट नेम इज रिटन इन एंड एंड इट इज एब्रीवेटेड इसको हम क्या करते हैं बच्चों एब्रीवेट करते हैं एब्रीवेट मतलब फुल स्टॉप लगाते हैं जैसे सलमान का सैल ठीक है सलमान का क्या बन गया बच्चों सैल आ गया समझ में आया क्या बच्चों के मगज में छाया कि नहीं इसको हम बुलाते हैं क्या बायल क्लास नाइन से पढ़ते आ रहे हो भैया कुछ नहीं बदला कुछ नहीं बदला बस ये एक पॉइंट बदला है साइंटिस्ट का नाम आखिरी में लिखा जाता है और वो किया जाता है एब्रीवेटेड समझ में आया क्या मगज में छाया कि नहीं एंड अपना एक हैशटैग प्रमोट करेंगे क्या हैशैग मगज में छा गया शटैग मगज में छा गया आप लोग डालेंगे समझ में आया कि नहीं ये है बच्चे आपका बायोनोमियल नॉमिक्लेचर एक मार्क्स मतलब आपका एक क्वेश्चन फटाक से सही हो जाता भैया एक क्वेश्चन फटाक से सही होने वाला क्वेश्चन है ये ठीक है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट में ठीक है सोच लो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है मैनजी पेरा इंडिका ये हो गया बच्चे आपका बायोनोमल नॉमिन्लेचर अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले पे जिसको हम क्या बुलाते हैं ट्राइनोमियल नोमिनचर ठीक है ये आपका दिया था बच्चे गिवन बाय लमार्क ठीक ये ट्राइनोमिल नॉमन क्लेचर किसने दिया था बच्चे इट वॉज गिवन बाय लमाक लमाक ने बच्चों आपका ये किसने दिया था बच्चे ट्राइनोमिल नॉमन क्लेचर किसने दिया आपके लमाक ने दिया था बच्चों। ठीक है अब इस ट्राइनोमिल नॉमन क्लेचर में कुछ गढ़ अलग अलग नहीं है बस इसमें बेसिकली क्या है बच्चे तीन नाम ऐड किए गए फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम सेकंड नेम इसमें तीन नाम होते हैं ट्राई का मतलब तीन ठीक है ट्राई का मतलब क्या हो गया बच्चे तीन बाय का मतलब दो ट्राई का मतलब तीन सेकेंड नेम एंड चलो इसको मैं अपने ही नाम से पकड़ता हूं तीन वर्ड्स से मेरे नाम पे भी तीन है।, है बच्चे सलमान अनवर खान सलमान अनवर खान वन टू थ्री सलमान वन दो सलमान येड अनवर खान इज द थर्ड वन नालक ठीक है वन दो ये मूरू ठीक है मूर सॉरी ठीक है

इसको हम क्या बुलाएंगे बच्चे जेनेरिक एपिथेट बुलाएंगे सेकेंड नेम इज वॉट स्पीशीज जिसको हम क्या बुलाएंगे बच्चे स्पेसिफिक एपिथेट तीसरा नाम जो होता है बच्चे वो उसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों इट कैन बी वराइटी वराइटी हमेशा यूज किया जाता है किसके लिए बच्चों ये वराइटी शब्द हमेशा यूज किया जाएगा बच्चे प्लांट्स के लिए इट इज ऑलवेज यूज फॉर प्लांट्स

ठीक है या झूठ बोले कौवा काटे इंडियन क्रो का नाम क्या है बच्चों कॉर्वस स्प्लेंडेंस इसका बोटेनिकल नेम क्या है बच्चों कॉर्वस सोचो ये है इसका बोटेनिकल नेम कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस है बच्चों इसका बोटेनिकल नेम ठीक है एक और नाम मैं बताता हूं बच्चों वो है गोरिल्ला ठीक है इतने बच्चे देख रहे हैं बच्चों मैं उनसे यही कहूंगा कि भैया वीडियो को एक सेकंड के लिए पॉज करो और मुझे गोरिल्ला का नाम बताना जरा सा एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और गोरिल्ला का नाम बताना क्या है साइंटिफिक नहीं तब मैं बताऊंगा अभी अभी आज की क्लास में बताऊंगा और तीसरा क्या है बच्चे आपका कैबेज जिसको मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मुझे ये कैबेज नहीं पसंद ठीक है आई डोंट नो वाई आई डोंट लाइक कैबेज आई डोंट नो वाई आई डोंट लाइक कैबेज ठीक है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अ ग्रीन वेजिटेबल आई लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स आई लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स आई डोंट लाइक कैबेज एंड एक और होता है वो तुरई तुरई बिल्कुल नहीं पसंद भैया भैया मुझे कुछ और खिला दो मैं खाना नहीं खाऊंगा उस दिन जिस दिन तुरई बन जाएगी <laughs> एक होती है भाई एक होती है सबकी सब्जी जो इसको नहीं पसंद है मुझे नहीं पसंद भाई ये कैबेज एंड तुरई ठीक है कैबेज खा भी लू थोड़ा सा लेकिन तुरई तो कतई नहीं खाऊंगा मैं इल्ला 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 ठीक है आप लोग जरूर बताइएगा आपकी कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जो कि आप बिल्कुल नहीं पसंद करते अब इसका नाम क्या है बच्चे कैबेज का नाम क्या होता है ब्रेसिका ब्रेसिका ओलिरेसिया वैरायटी क्या है बच्चे उसकी कैपिटिटा देखो मैं अंडरलाइन भी करता हूं बच्चे हमेशा हर नेम को मैं अंडरलाइन करता हूं आपको अगर ना मार्क्स नहीं कटवाने हैं अंडरलाइन जरूर करिएगा मार्क्स नहीं कटवाने तो अंडरलाइन जरूर करेंगे तो बोटैनिकल नेम क्या ब्रेसिक्का ओलिरेसिया वराइटी कैपिटेटा ठीक है इसकी वरायटी है अब तक आपने गोरिल्ला का नाम नहीं बताया क्या क्या कर रहे हो भैया गोरिल्ला का नाम बताओ और मैं बताऊं हिंट दू मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम बोर्ड पे लिखा है बच्चे बोटेनिकल आपका साइंटिफिक नेम क्या है गोरिल्ला का बहुत कॉमेडी है भाई इसके पीछे गोरिल्ला चलो ठीक है सर ओके गोरिल्ला गोरिल्ला ओके सर गोरिल्ला बोलोगी सर ये क्या किया आपने यस yes, बेटा यही है इसका साइंटिफिक नेम गोरिल्ला 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 तीन बार गोरिल्ला गोरिल्ला चिल्ला दो उसका हो गया साइंटिफिक नेम मेरे ख्याल से उस टाइम पे साइंटिस्ट लोग क्या थे बहुत ज्यादा आलसी हो गए होंगे उस तरीके से उन्होंने ये नाम रख दिया गोरिल्ला 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 ठीक है उनको देखा होगा गोरिल्ला अरे गोरिल्ला 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 ऐसे करके उन्होंने इस तरीके से उसका नाम बना दिया ठीक है देख रहे हो कितना कॉमिक नेम है बच्चे ये गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला

कोई और नाम क्या हो जाएगा बच्चे सिनोनिम्स इसको एक समझते हैं एग्जांपल से लेट्स सपोज हमने इंडिया में इंडिया में कुछ चीज डिस्कवर की लेट्स सपोज कोई एक प्लांट डिस्कवर किया ठीक है एक हमने इंडिया में प्लांट डिस्कवर किया सेम प्लांट यूएसए में भी डिस्कवर हुआ सेम प्लांट हमने यूएसए में भी डिस्कवर किया सेम प्लांट हमने यूएसए में डिस्कवर किया बट यूएसए ने क्या किया बच्चों इसको नाम दे दिया पहले नाम दे दिया पहले और इंडिया ने क्या दिया उसको नाम देने में पॉलिटिक्स की वजह से बाद में नाम दिया तो ये बहुत कुछ होता है इंडिया में पॉलिटिक्स या कोई भी रीजन की वजह से इसका नाम सेकंड आया बट व्हाट हैपेंस इन पीओपी पीओपी के अनुसार क्या अब इसका नाम वो नाम होगा जो यूएसए ने दिया होगा इंडिया ने नहीं दिया होगा समझो मैं फिर से समझाता हूं मैं फिर से समझाता हूं ये कांसेप्ट आपको बेटा देखो इंडिया ने कोई एक पौधा ढूंढा यूएसए ने कोई एक बात हुआ ये एक बार होता हूँ हिस्ट्री में कई बार हुआ ये हिस्ट्री में कई बार हुआ है बासमती राइस हो गया टर्मरिक हो गया बहुत सारी चीजें हुई हैं हिस्ट्री में में तो इंडिया ने और यूएसए ढूंढा ठीक है और वही चीज यूएसए में भी ढूंढी गई यूएसए ने क्या किया फटा फटाफट फटाफट से से पेटेंट निकाल फट से पेटेंट निकाल निकाल के के फटा फटाफट से नामकरण कर दिया इंडिया हो गया थोड़ा सा पीछे नाम देने में अब अकॉर्डिंग टू पीओपी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी इसका ट्रू नेम कौन सा होगा वो नाम होगा जो यूएसए ने दिया है इंडिया वाला नाम नहीं किया जाएगा नेम गिविन प्रायर इज कंसिडर्ड टू बी इट्स मेन नेम जो नाम पहले दिया जाता है उसको हम क्या करते हैं बच्चों उसको कंसिडर करते हैं इट्स ट्रू नेम ठीक है द नेम गिविन प्राय द नेम गिविन प्राय द नेम गिविन प्राय इज कंसिडर्ड इज कंसिडर्ड टू बी इट्स to its to be its exact name other names are synonyms

पी ओ पी प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी भैया जिसका नाम पहले दिया जिसने पहले दिया वही होगा इसका एग्जैक्ट नेम बाकी नाम इज कंसिडर टू बी सिनोनिम क्या कंसिडर करेंगे बच्चे synonym हैं। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए बच्चे हमने कुछ और रूल्स आए जैसे कि आता है बच्चे आपका ऑटोनेम क्या आता है बच्चे ऑटो अब नाम क्या ऑटो चला रहा है क्या नहीं

जिसमें ये सिमिलर होता है उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों ऑटोनिम बुलाते हैं स्पीशीज का नाम एंड सब स्पीशीज का नाम सिमिलर उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों ऑटोनिम बुलाते हैं और ये नाम क्या है बच्चों इट इज वैलिड इट इज वैलिड फॉर बोथ इट इज वैलिड फॉर बोथ बॉटनी एज वेल एज जोलॉजी इट इज वैलिड फॉर बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों के लिए वैलिड है इट इज वैलिड फॉर बोथ बॉटनी एंड जोलॉजी बॉटनी के लिए भी वैलिड है बच्चों एंड के लिए भी क्या होता है बच्चों ये नाम वैलिड है है ठीक ऑटोनेम में फिर से रिपीट करता हूं क्या है सुनो ध्यान से समझो ध्यान से लिखो ध्यान से ऑटोनेम में क्या होता है स्पीशीज नेम एंड सब स्पीशीज नेम आ सिमिलर क्या होता है बच्चे स्पीशीज नेम एंड सब स्पीशीज नेम आ सिमिलर इट इज वैलिड फॉर बोथ बॉटनी एंड जोलॉजी होता है अब आता है बच्चे इसके बाद आता है आपका टॉटोनेम टॉटोनिम में बेसिकली क्या हो रहा है बच्चे इसके अंदर में हमने क्या किया था इसमें हमने क्या किया बच्चे स्पीशीज एंड सब स्पीशीज अब क्या बचा जीनस एंड स्पीशीज इसमें बेसिकली क्या हो रहा है बच्चे द जीनस नेम एंड आपका स्पीशीज नेम क्या है बच्चों सिमिलर द जीनस नेम एंड द स्पीशीज नेम आर सिमिलर इन दिस इन दिस केसेस ठीक है द जीनस नेम एंड द स्पीशीज नेम इज सिमिलर रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली द जीनस नेम एंड द स्पीशीज नेम आर एग्जैक्टली सिमिलर इज कंसीडर्ड एज टॉटोनिम इट इज वैलिड फॉर जोलॉजी ओनली ये वैलिड है बच्चों, इट इज वैलिड फॉर जोलॉजी ये सिर्फ और सिर्फ जोलॉजी के लिए वैलिड होता है ठीक है बॉटनी के लिए वैलिड नहीं है ठीक है ये हो गया ठीक है ये हो गया बच्चे आपका ऑटोनिम, ये हो गया आपका टॉटोनेम ठीक है अब मैं आपको एक और बताऊंगा वह लास्ट रूल होगा इसके अंदर में वो आता है होमोनेम ठीक है एक लास्ट रूल में आपको समझाऊंगा वो क्या है बच्चे आपका होमोनेम है अब आप बोलोगे सर ये एनसीआर में नहीं है बेटा कुछ कुछ चीज़ें हमें एनसीआर से थोड़ी बहुत चीज़ें हल्की फुल्की चीज़ें आपको अलग से जाननी होती है ठीक है हल्की फुल्की चीज़ें ठीक है पहले ही एनसीआर में थी ठीक है अब इसको थोड़ा सा अलग करके हम पढ़ते हैं लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक रूल्स हैं बच्चे ये बेसिक क्या है बच्चे रूल्स हैं ठीक है आई विल नॉट गो बियॉन्ड एनसीआरटी बट ये रूल्स आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के आपके इतने सारे चैप्टर्स हैं उसमें स्मूद हो सके क्योंकि देखो बच्चे साइंटिफिक नेम हर जगह आएगा आप साइंटिफिक नेम से बॉटनी भरी हुई है और आप लोग बोलोगे अरे सलमान सर कितना नाम याद कराओगे यार परेशान कर दिया है आपने नाम याद करा कर एंड मार्कमा वर्ड सच में बहुत नाम है सच में बहुत नाम है कुछ गलत नहीं है ये बहुत सारे नाम है जो कि आपको याद करने तो लेट स्टार्ट विद द हु में बेसिकली क्या है इसको इसके अंदर में क्या है बच्चों द सेम नेम इज बीन गिविन टू टू ऑर्गेनिज्म द सेम नेम इज गिविन टू टू ऑर्गेनिज्म द सेम नेम इज गिविन टू टू ऑर्गेनिज्म अब आप बोलोगे सर ये तो गलत हो गया हाँ बेटा गलत है बेटा गलत है क्यों क्योंकि ये तो तो पीओपी के खिलाफ चला गया गया हाँ बच्चों गलत है तो इसको इसको सही सही कैसे किया गया? इसको सही। में क्या हमने यहां पे के बात करते हैं। यहां पे एक ही नाम दे दिया गया दो को। जैसे कि खान एक सलमान अनवर खान एक और सलमान अनवर खान एक और जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेंगे बच्चे क्या प्रूनस Prunus डल्शियस एक एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों किसका प्रूनस डल्शियस का एग्जाम्पल समझते हैं अब ये जो प्रूनस डल्शियस नाम है बच्चों गलती से बच्चों ये नाम दो को दे दिया गया इट इज बीन गिवन टू टू एलमंड एज वेल एज प्लम एलमेंड को भी यही नाम दिया गया एंड प्लम को भी यही नाम दे दिया गया गलती ये हो गई थी गलती ये हो गई बच्चों एलमेंड का नाम और प्लम का नाम प्रूनस डल्शियस रख दिया गया अब क्या लगेगा बच्चों यहां पे क्या लगेगा बच्चे पीओपी लगेगा पीओपी क्या कहता है व्हाट दिस पीओपी सेज भैया क्या कहता है तो कि जिसका नाम पहले होगा उसका नाम कंसिडर किया जाएगा तो यहां पर बच्चे एलमेंट का नाम जब हमने रिसर्च किया जब हमने रिसर्च किया अकॉर्डिंग टू पीओपी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी आप पूरा लिखेंगे बच्चे मैं पीओपी लिख रहा हूं कहीं पे भी आप शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू पीओपी प्रूनस डल्सियस का नाम एलम का नाम वॉज गिविन प्रायर ठीक है अकॉर्डिंग टू पीओपी का नाम क्या था वो पहले दिया गया था दिया गया था तभी तभी बच्चे एलमेंड का बोटेनिकल नेम क्या है बच्चे प्रूनस डल्शियस एलमेंड का बोटेनिकल नेम क्या है बच्चे प्रूनस डल्सियस होता है क्या आपका एलमेंड का बोटेनिकल नेम ठीक है तो अब अब बच्चे आपका प्लम का क्या नाम रखा गया तो प्लम का नाम चेंज करके क्या किया गया प्रूनस डोमेस्टिका एलमेंड का नाम अब इसका प्लम का नाम रखा गया क्या बच्चे प्रूनस डोमेस्टिका रखा गया क्लियर है तो ये है बच्चे आपके कुछ रूल्स जो कि आपको अच्छे से पढ़ने है. पॉप पीओपी प्रिंसिपल ऑफ और प्रायोरिटी ऑटोनिम स्पीशीज और सब स्पीशीज का नाम सिमिलर है

द सेल्फ कॉन्शियसनेस द अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ इज द प्रॉपर्टी ऑफ ये किसकी प्रॉपर्टीज है सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन प्रो कैरियॉर सुन तीसरा ऑप्शन यू कैरियर सुन चौथा ऑप्शन ह्यूमन बींग ओनली आप आंसर कैसे करेंगे क्यू वन क्विज वन क्वेश्चन वन का आंसर करेंगे ठीक है मैं आपका नाम लेके आऊंगा यार मैंने आपको बोला था ना आपका नाम आएगा तो बस आपको ये आंसर करना है पहला क्विज ठीक है ऐसे और भी क्विजेज हैं ऐसे और भी क्विजेज हैं भैया फटाफट से आंसर करेंगे

बायोलॉजिकल नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देर लैटिन ओरिजिन ने डिराइव फ्रॉम लैटिन इन दियर ओरिजिन फटाफट से बच्चों आपको इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है और आपको क्या करना है बच्चों आंसर करना है ठीक है लग जाओ आंसर में ठीक है क्यू वन क्यू टू करके अब हम बढ़ते हैं आगे अब हम बढ़ेंगे क्या बच्चे हमने क्या पढ़ लिया पूरा का पूरा हमने क्या पढ़ लिया बच्चे वी हैव अंडरस्टूड हाउ दिस पर्टिकुलर नेमिंग बुक्स हमने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी बच्चों क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या थी अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज एंड प्लेसिंग इन हायरार्की तो भैया उसको अब हायरार्की कैसे देखते हैं हायरार्की कैसे होती है तो बच्चे इसके लिए मैं एक एनसीआर का आपके सामने स्टेटमेंट लेके आऊँ जो कि आपको पढ़ना है ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे यहाँ पे साफ साफ लिखा है क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इनवॉल्व हायरार्की ऑफ की स्टेप जिन जिन बच्चों को क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यही कहूंगा भैया एनसीआर खोल लो एनसीआर में यही लाइन मेंशन है क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है बट ऑफ स्टेप्स कई सारे को इन्वॉल्व करता है इन ईच स्टेप आर रैंक और कैटेगरी हर स्टेप को हम क्या बुलाते हैं बच्चों वी कॉल ईच स्टेप एज रैंक और कैटेगरी बुलाते हैं हर स्टेप को हम क्या बुलाते हैं बच्चों वी कॉल दम एज रैंक और कैटेगरी सिंस द कैटेगरी इज ओवरऑल ऑल अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड एज द टेक्सनॉमिक कैटेगरी भैया जिसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ कर पॉइंट कि मैं इसके बेसिस पे पढ़ाऊंगा इसके बेसिस पे हम पढ़ाई करेंगे उसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों कैटेगरी कह रहे हैं एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर सारी की सारी कैटेगरीज को टुगेदर को रख देंगे तो इससे क्या बनता है बच्चों टेक्सोनॉमिक हायर बनता है ठीक है ईच कैटेगरी रिफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ कॉमन टर्म एज टेक्सोमिक तो टेक्सोन क्या है बच्चों जितने भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं उन सारी कैटेगरीज को जो भी कैटेगरी पे हम डिफिनेशन कर रहे हैं है. है इंसेक्ट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स इंसेक्ट क्या है बच्चों सारे के सारे इंसेक्ट्स में एक कॉमन फीचर है कॉमन फीचर दैट हैव जॉइंटेड लेग्स इन सब के पास क्या है बच्चों ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं मतलब अगर मैं देखूं यहां पर so कैरेक्टरिस्टिक्स है दे ऑल आर हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक इन सब के पास क्या बच्चों एक कैरेक्टरिस्टिक है क्या कैरेक्टरिस्टिक है ज्वाइंट लेग्स ज्वाइंटेड लेग्स इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ठीक है सारे के सारे इंसेक्ट्स में यही चीज लिखी है बच्चों सारे के सारे इंसेक्ट्स में क्या है ज्वाइंटेड लेग्स है और ये क्या होते हैं बच्चों जनरली इन थ्री पेयर्स में प्रेजेंट ये सारे के सारे कैरेक्टर क्या है बच्चों ज्वाइंटेड बच्चों थ्री पेयर्स में हो तो ये क्या करते हैं ये इससे क्या कर रहे है? हम एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे बच्चे क्या प्रेजेंट है थ्री ज्वाइंटेड लेग और क्या हो बच्चों तीन पेयर में जिससे कर रहे हैं और इससे हमने क्या किया इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप इससे हमने क्या किया रिप्रेजेंट किया ग्रुप बनाया इट रिप्रेजेंट अ ग्रुप एक ग्रुप इसने डिफाइन किया एक ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या हुई ज्वाइंटेड लेग्स इन थ्री पेयर यही चीज आपकी एनसीआरटी में लिखी यही एक्जेक्टली चीज लिखिए इंसेक्ट रिप्रेजेंट इंसेक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों इंसेक्ट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर थ्री पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग जो कि मैंने यहाँ पेक्टर लेग्स एंड थ्री पेयर्स तीन पेयर में बच्चों इनके ज्वाइंट लेग्स है जिससे हमने क्या किया सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म है ऑर्गनिज्म को इकट्ठा किया उसको एक ग्रुप बना दिया जैसे कि क्या है बच्चे आप लोग हो आप लोगो कई सारे बच्चे यहाँ पे क्लास इलेवंथ के होंगे कई सारे बच्चे नीट 2023 के होंगे कई सारे अलग अलग साल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे 24 22 अलग अलग साल की प्रिपरेशन करें कोई 25 वाला भी होगा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सब लोग क्या एक ग्रुप हो अभी क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं क्लास इलेवंथ का टॉपिक है तो आप लोग अलग अलग क्षेत्र से कोई पांडिचेरी से देख रहा हो कोई जम्मू एंड कश्मीर से देख रहा हो कोई मेरे शहर लखनऊ से देख रहा हो कोई दिल्ली से देख रहा होगा कोई गुड़गांव से देख रहा होगा कोई बैंगलोर से देख रहा होगा कोई महाराष्ट्र से देख रहा होगा हर लोग अलग अलग जगह से लेकिन आप सबके अंदर में एक कॉमन पॉइंट है कि आप सब लोग का एक ही एम ए डॉक्टर बनना तो आप सब लोग एक ग्रुप में बिलोंग करते हो नीट ग्रुप

तो अब अगर हम बात करें इन सारी की सारी टेक्सोनॉमिक हायरकीज या हम क्या बोलें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ठीक है टेक्सोनॉमिक हायरकी के, के बारे में बात करें तो ये हायरकी बच्चों अलग अलग फॉर्म में सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज तीन तरीके की वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी तीन तरीके की बच्चों आपके पास टेक्सोनॉमिक कैटेगरी

ठीक है ऑब्लिगेट का मतलब क्या है बच्चे नेसेसरी होता है बच्चे आपका ऑब्लिगेट का मतलब नेसेसरी है क्लियर है समझ में आ गया बच्चों ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है बच्चे आपका नेसेसरी है फिर क्या आता है बच्चों आपका इंटरमीडिएट फिर आता है बच्चों आपका इंटरमीडिएट एक्सोनॉमिक कैटेगरी वी हैव द सेकेंड वन एज इंटरमीडिएट वी हैव सेकेंड वन एज इंटरमीडिएट एक्सोनॉमिक कैटेगरी फिर आता है बच्चे आपका इंफ्रास्पेसिफिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ठीक है मैं इसको रब ठीक है तो ये है, बच्चे, पास तीन होती है।, तीन होती है तो किससे शुरुआत करेंगे ऑब्लिगेट एक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है भैया ये होना जरूरी है ये होना जरूरी सबसे पहले फर्स्ट वन इज ऑब्लिगेट एक्सोनॉमिक कैटेगरी पहला कौन सा आता है ऑब्लीगेट एक्सोनॉमिक कैटेगरी इसमें बेसिकली क्या है बच्चों ऑल द स्टेप्स आर मस्ट ऑल स्टेप आर मस्ट चाहे जो हो जाए भैया दुनिया इधर की उधर हो जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए यह सारे स्टेप्स क्या है मस्ट है तो उसको समझेंगे बच्चों तो यह है बच्चे आपका क्या

क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स क्या है भैया कैटेगरी क्या है बच्चा लोग कैटेगरी कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्सिक कीप से क्या आ गया बच्चे आपका किंगडम आ गया याद करने का तरीका है भैया कई बार इसका सीक्वेंस पूछ देंगे कीप से क्या आ गया किंगडम पॉट से आ गया फाइलम पॉट से आ गया फाइलम क्लीन से आ गया क्लास अदरवाइज से आ गया ऑर्डर फैमिली भैया फैमिली है कोई रिप्लेस नहीं कर सकता ठीक है नो वन कैन रिप्लेस फैमिली कोई भी फैमिली को रिप्लेस नहीं कर सकता गेट से क्या आ गया बच्चे आपका जीनस आ गया गेट से क्या आ गया बच्चे आपके जीनस आ गया सिक्स से क्या आ गया बच्चे आपका स्पीशीज आ गया कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक्स किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज ये होती है बच्चे आपकी हेरा की अगर मैं इसको डायग्राम के बेसिस में देखूं तो कुछ इस तरीके से किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली उन्होंने उल्टा रखा हुआ है उन्होंने उल्टा रखा हुआ है, यही होता है क्योंकि सबसे ज्यादा यहां, यहां, यहां से देख रहा हूं ऊपर से नीचे जाएं अगर हम इस डायग्राम में ऊपर से नीचे जाएं तो क्या हो रहा है बच्चे आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं बढ़ रहे हैं। अगर मैं नीचे से उप, इस डायग्राम में पिरामिड के टॉप से नीचे जा रहा हूं अगर मैं पिमिड के टॉप से नीचे जा रहा हूं तो देख सकते हैं बच्चे यहां पे ऑर्गेनिज्म क्या है कम है स्पीशीज में ऑर्गेनिजम कम है जीनस में उससे थोड़े से ज्यादा है फैमिली में उससे थोड़े से ज्यादा ऑर्डर में उससे थोड़े से ज्यादा ज्यादा क्लास में है तो अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो क्या हो रहा है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो रहा है द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजिंग ठीक है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चे हमेशा इंक्रीज होता है ठीक है अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हमेशा बढ़ रहा है लेकिन लेकिन है भैया इसके अंदर में नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स घट रहे हैं सिमिलर कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चा घट जाएंगे जैसे कि एक बात बताऊं आपको आपको एक बात बताऊं इंसेक्ट

कीप पॉट वापस लिखते हैं बच्चों कीप पॉट क्लीन अदरवाइज अदरवाइज के बाद क्या आएगा फैमिली गेट्स सिक तो बच्चे एक नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नीट एग्जाम में एक नीट एग्जाम में बच्चों अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया आप बताओ ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं आप बताओ ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं एक एक नाम नाम दे दे देंगे देंगे कठिन कठिन सा सा आप बताओ कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं तो उसका मैं आज एक शॉर्टकट बेटा देखो सबका नहीं बता रहा हूं सबका नीलम बहुत है मिलियंस हैं सबका नीलम कुछ कॉमन लेके आया हूं आपके लिए ठीक है और भी ज्यादा हो सकते हैं अगर आपको और ज्यादा पता है तो आप लिखें याद करेंगे वेट करेंगे थोड़ा सा उसके लिए भी वेट करेंगे मैं क्या बताने जा रहा हूं उसके लिए थोड़ा सा तो वेट बनता है कीप से क्या आ गया बच्चे आपका किंगडम आ गया कीप से क्या आ गया बच्चे आपका किंगडम आ गया पॉट से क्या आ गया बच्चे आपका फाइलम आ गया क्लीन से क्या आ गया बच्चे आपका क्लास आ गया अदरवाइज से क्या आ गया बच्चे आपका ऑर्डर आ गया ऑर्डर ऑर्डर फैमिली से क्या आ गया बच्चे नो वन कैन रिप्लेस फैमिली यू नो दिस वेरी वेल फैमिली आ गया गेट से क्या गया बच्चे आपका जीनस आ गया से क्या आ गया बच्चे आपका स्पीशीज आ गया ठीक वा ठीक है बच्चों ठीक है तो कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक ठीक है तो अब अगर मैं बात करूं देखो स्पीशीज का कोई एसे आपका सफिक्स नहीं है कोई एंडिंग पार्ट नहीं है लेकिन जीनस में कुछ होते हैं जैसे कि आपका हम जीनस में हम कुछ स्पेसिफिक पकड़ सकते हैं जैसे कि इज ऑन आ इससे ये क्या कर सकते हैं बच्चों एंड कर सकते हैं इससे क्या कर सकते हैं बच्चों ये क्या कर सकते हैं एंड कर सकते हैं ठीक है दे कैन एंड ऑन दीज नेम्स इन नाम्स में क्या कर सकते हैं बच्चों एंड कर सकते हैं जैसे ए से क्या आ गया रोजा ए से क्या आ गया बच्चे आपका रोजा अम से क्या हो गया पाइसम पाइसम से टाइवम वाला पाइसम ठीक है ऑन से क्या आ गया पोटा मैगटॉन भी बहुत कॉमन नेम है इससे क्या आ गया बच्चों आपके इससे भी बहुत सारे होते हैं ठीक है अरेबिस एक लिख सकता हूं बच्चों में अरेबिस तो इस इस से बहुत सारे एंड करते हैं जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल एराबिस ऑन से क्या है बच्चे आपका पोटा अम से क्या है बच्चों आपका पाइसम इससे क्या हो गया अराबिस हो गया ठीक है एक रह गया अस अस भी तो बहुत कॉमन है भैया अस पाइनस एक अस रह गया है अस का क्या है पाइनस ठीक है ठीक है तो ये कुछ एंडिंग्स है बेटा ये कुछ एंडिंग्स है सारे नहीं है ये ध्यान एकदम जहन में उतार लेना कि सर ने बोल दिया सर यही है तो यही छे नहीं भाई और भी हैं बहुत सारे लेकिन ये कुछ कॉमन हैं आप याद रख लो कुछ कॉमन है बच्चे आपको याद करने के लिए अब हम बात करते हैं फैमिली की फैमिली में भी कुछ एंडिंग्स आती है बच्चों जो कि आपको क्या करनी है याद करनी है जैसे कि क्या आती है ए सी ए फैमिली में एक कॉमन एंडिंग लगती है बच्चों ये याद रखेंगे फैमिली में एक कॉमन एंडिंग लगती है ए सी ए ठीक है ए ए सी लगती है बच्चों फैमिली में ये कॉमन एंडिंग है ठीक इट अ कॉमन एंडिंग इन फैमिली जैसे कि आपका क्या है एग्जाम्पल एस्टरेसी सोलानेसी एसी ब्रेसिक ठीक है एग्जाम्पल क्या हो गया एस्टेरेसी ठीक है ये भी क्या है बच्चों एक काफी ज्यादा कॉमन नेम है ठीक है फैमिली के अंदर में एसी यही बच्चों बहुत ज्यादा कॉमनली लगता है अब हम बात करते हैं ऑर्डर में ऑर्डर में बच्चों कॉमनली लगता है एल्स ऑर्डर में क्या लगता है बच्चों कॉमनली एल्स लगता है एलई एस ठीक है क्या क्या बच्चे बच्चे आपका मैंगो वाला डेल्स? देखो बच्चे, आप मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये क्या है? से ऊपर बढ़ चुके हैं लेकिन जब तक मैंने जीनस लिखा था मैंने सबको अंडरलाइन किया ये बहुत ध्यान से नोट्स बनाते वक्त ध्यान रखना ठीक है ठीक है तो ये क्या हो गया बच्चे आपका सैपनी डेल्स अब हम बात करते हैं क्लास के बारे में तो ये हो सकता है बच्चों आपका वो ऑप्सिडा इट कैन बी ये व्हाइट कलर यूज कर रहा हूं ठीक है इट कैन बी ऑप्सिडा जैसे कि आपका क्या आ गया ब्राय ऑप्सिडा ठीक है माइसिटीज ठीक है आपकी माइसिटीज भी बच्चों सी के अंदर में आता है ऑप्सिडा हो गया माइसिटीज हो गया फिर ए आ गया एनफाइसी आ गया फिर आ एक लिख सकते हैं बच्चे एई जगह कम पड़ रही है यहां पे लेकिन कोई नहीं यही एल्स में थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं में यहां पे लिख देता हूं ठीक है फाइव सिटीज हो गया एक और लिख देते हैं फाइव सिटीज तो अगर मैं एग्जाम्पल पकड़ूं तो इसका क्या आ गया बच्चे आपका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका डायकॉड टलिट ने माइसिटीज का क्या आ गया बच्चे आपका एस्कोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज आ गया ऑप्सिडा से क्या आ गया बच्चे आपका ब्रायऑपिडा ऑप्सिडा से क्या आ गया बच्चे आपका ब्रा ठीक है तो ये सारे क्या है बच्चे आपके क्लास के नाम है ठीक है अब बचा क्या बच्चों फाइसिटीज से फा, आ, आपके फाइसिटीज से क्या आ गया क्लोरोफाइसिस ठीक है फाइसीज होगा ये एक सेकेंड फाइसीज फाइसीज से क्या आ गया बच्चे आपका क्लोरोफाइसी फाइसिस से क्या आ गया बच्चे आपका क्लोरोफाइसिस आ गया ठीक है फाइसिस से क्या आ गया बच्चे आपका क्लोरोफाइसिस आ गया अब हम बात करते हैं बच्चे आपका फाइलम फाइलम की भी बच्चों एक स्पेसिफिक एंडिंग हो जाती है जैसे कि फाइटा बहुत सारे केसेस में बच्चों फाइटा यूज किया जाता है फाइलम के लिए बहुत सारे केसेस में क्या यूज किया जाता है फाइटा पी एच टी जैसे कि बेटा प्लांट्स के लिए मैं बता रहा हूं ठीक है किंगडम तो आपको पता ही सबको नाम याद ही है किंगडम तो बच्चे ये कुछ आपकी एंडिंग्स है है ये कुछ क्या बच्चों आपके एंडिंग्स हैं जो कि आपको याद करने हैं ये तो एटलीस्ट याद करना ही पड़ेगा ये तो एटलीस्ट क्या करना है बच्चों आपको अपने जहन में उतार के याद करना ही करना है बच्चा लोग चाहे जो हो जाए ये आपके जहन में उतर जाना चाहिए ठीक है ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ आपको क्या करना है याद करना है। क्या करोगे दिमाग खोलो लिखो चिपका दो <laughs> मजाक कर रहा हूं लिखो कॉपी में दीवार पे पेस्ट कर दो ठीक है याद कर लोगे ठीक है आपको अच्छे से ये क्या हो जाएंगे बच्चे याद हो जाएंगे ये नीट में पूछे गए वाले क्वेश्चन क्योंकि देखो नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछेंगे एस्टिरेसी इज वॉट आपसे पूछेंगे एस्टिरेसी क्या है फैमिली है ऑर्डर है क्लास है फाइलम उस टाइम पे दिमाग नहीं चलता बेटा उस टाइम पे दिमाग नहीं चलता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं तब बेटा आपको उसी के लिए याद करना है इसी के लिए मैंने आपको क्या बोला है बच्चों इसको आपको याद करना पड़ेगा ठीक है और मैं आपको क्या बोल रहा था बच्चे अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं इफ यू आर गोइंग फ्रॉम डाउन अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं एक सेकेंड अगर मैं नीचे से ऊपर जाता हूं मैं ऊपर जाने दो पहले अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो क्या हो रहा है बच्चे आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं ठीक है अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं वही चीज यहां पे देखो जब भी हम स्पीशीज से मूव करते हैं स्पीशीज से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं सेम चीज जब मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो क्या हो रहा है बच्चे आपका नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं बच्चों बढ़ रहे हैं द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू इंक्रीज एंड जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा बच्चों नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स घटते जाएंगे नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स क्या होते जाएंगे बच्चों घटते जाएंगे इट इज गोइंग टू रिड्यूस तो आप पूछोगे सर ये कैरेक्टर्स कैसे तो बेटा जैसे कि अलग अलग कैरेक्टर्स के बेसिस पे ग्रुप बनता है सबका अलग अलग कैरेक्टर्स होता है स्पीशीज क्या है बच्चों आपके इंडिविजुअल यूनिट जीनस में क्या होते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज आर कैप्टन जीनस फैमिली में क्या है बच्चों ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज कैप्टन फैमिली ऑर्डर में क्या है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज आर कैप्टन टू ऑर्डर क्लास में क्या होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर तो सोचो कितना बढ़ता जा रहा है सीक्वेंस हम वाइडन अप वाइडन 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 अप 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 करते जा रहे हैं और ये बन रहा है एग्जाम्पल पकड़ेंगे बच्चे एक आपके का, का डायग्राम है मस्ट टू रिमेंबर मस्ट टू रिमेंबर वी आई पी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट भैया वी आई पी क्वेश्चन है ये नीट में आया है ये नीट में आया है बच्चे आपका कौन सा टेबल वन पॉइंट वन ये भी बच्चे आपके नीट में पूछा गया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी मच इंपॉर्टेंट है बच्चों ये आपको एकदम जहन में इसको याद कर लेना है ठीक है तो मैन से शुरुआत करते हैं बच्चों मैन का साइंटिफिक नेम क्या है बच्चे आपका साइंटिफिक नेम होता है होमोसिपियंस ठीक है इसका साइंटिफिक नेम क्या है बच्चे होमोसिपियंस तो आप देख सकते हैं यहां पर यह है होमो क्या है बच्चे इसका जीनस है सेपियंस क्या है बच्चे इसका स्पीशीज है इसकी फैमिली क्या है होमनिडे ऑर्डर प्राइमेटा क्लास मेमेलिया

दे आर गोइंग टू बिलोंग किंगडम एनिमेलिया ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं बच्चों किंगडम प्लांटे तो दो किंगडम किंगडम दो प्लांटे का मेंशन कर रखा है आपके एनसीईआरटी में दो किंगडम एनिमेलिया दो किंगडम प्लांटे भैया याद 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 करो याद करो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे जो भी आपकी जो मैंने आपके जो प्रीफिक्सेस प्रिफिक्स जो बताए हैं बच्चों ये किंगडम प्लांटे के लिए ठीक है वो किंगडम प्लांटे के लिए है के लिए हैं बच्चों क्योंकि मैं आपको क्या पढ़ाता हूं बॉटनी पढ़ाता हूं ठीक है मैं प्लांट्स पढ़ाता हूं ठीक है वो सब आपके प्लांटे के लिए अवेलेबल है ठीक है तो ये था बच्चे आपके हायर के बारे में ठीक है ये थे बच्चे कुछ आपके हायर के बारे में था तो जैसे कि अगर मैं कुछ आपको भी दिखाऊं इसके अंदर में कुछ अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो चलो इसके एग्जाम्पल से पहले डॉग के एग्जाम्पल से पहले मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल करा लेता हूं कुछ इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल करते हैं तो उसके लिए वापस लिखेंगे क्या कीप पॉट क्लीन देखो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको सीक्वेंस अच्छे से याद हो सके बहुत अच्छे से याद हो सके क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है अब अगर ये क्वेश्चन है ये लिखना चाहे आपको आता हो ना आता हो की पॉटिन अदरवाइज फैमिली गेट्स से क्यों क्या भरोसा आपको लिखते टाइम आपको याद हो जाए फैमिली गेट्स से क्योंकि अभी भी मैं कोई क्वेश्चन आता है मैं ज़रूर ये लिखता हूं क्योंकि इससे क्या होता है बच्चे आपको कहीं चीज़ पे कोई पॉइंट आपको क्लिक कर जाए सपोज कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपने ये सीक्वेंस लिखा एकदम से दिमाग में क्लिक कर जाए ठीक है जब आप अपनी मसल मेमोरी को ब्रेन मेमोरी के साथ कनेक्ट कर रहे से क्या बच्चे आपका पॉट से क्या आ गया बच्चे आपका फाइलम क्लीन से क्या आ गया बच्चे आपका क्लास देन अदरवाइज से क्या गया बच्चे आपका ऑर्डर फैमिली से क्या आगे बच्चे नो वन कैन रिप्लेस फैमिली 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 गेट से क्या आगे बच्चे आपका जीनस सिक्स से क्या आगे बच्चे आपका स्पीशीज ठीक है सिक्स से क्या आगे बच्चे आपका स्पीशीज आगे कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक

एंड ब्रिंजिल इन सब का इन सब का बच्चों एक ही कॉमन जीनस है इन सब का बच्चे एक ही कॉमन जीनस है इन तीनों अलग अलग स्पीशीज का इन तीनों अलग अलग स्पीशीज का एक ही कॉमन जीनस है इन तीनों का बच्चे एक ही कॉमन स्पीशी जीनस है उसको हम क्या बुलाते हैं सोलने से वो हाँ सोलेनम इन तीनों का बच्चे एक ही कॉमन इन तीनों का एक ही कॉमन जीनस है वो क्या है बच्चे इसका सोलेनम होता है बच्चों अब सोलेनम के साथ साथ एक और आता है बच्चों सोलेनम क्या है बच्चे एक जीनस है ठीक है सोलेनम के साथ एक और हम लिखेंगे बच्चे ये सब क्या है बच्चों ये अलग अलग सोलेनम हो गया बच्चे एक सेकंड इसको एक सेकंड सही करेंगे एक मिनट देंगे बच्चों मुझे एक सेकंड एक सेकंड इन सब के अंदर में अलग अलग पकड़ें अगर मैं अलग अलग भी पकड़ूं तो पोटैटो हो गया पोटैटो क्या है बच्चे स्पीशीज है मकई क्या है स्पीशीज है ब्रिंजल क्या है बच्चे ये सब क्या है स्पीशीज है अगर इसका नाम पकड़ें तो क्या है बच्चे इसका जीनस है पिटूनिया सोलेनम एंड दतूरा एक सेकेंड इनका स्पीशीज का नाम हो गया बच्चों इसका क्या है सोलेनम इन सब के अंदर में ये सब किसके अंदर में कंसिडर किए जाते हैं सोलेनम के अंदर में ये तीनों के तीनों कंसिडर कर जाते हैं यस yes. ये तीनों के तीनों किस में कंसिडर किए जाते हैं बच्चों सोलेनम के अंदर में सोलेनम क्या है एक जीनस है इसके साथ साथ एक और जीनस लिखते हैं हम लोग पिटूनिया ठीक है पिटूनिया भी क्या है बच्चों एक जीनस है ठीक है तो ये तीनों पोटैटो मकई ब्रिंजल दे ऑल बिलोंग टू वन स्पीशीज ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं सॉरी एक जीनस को बिलोंग करते हैं वो कौन सा है सोलेनम ये सारे के सारे एक को बिलोंग कर रहे हैं सोलेनम उसके साथ साथ क्या है पटूनिया एंड दतूरा इसके अंदर क्या है बच्चे सिमिलर कैरेक्टर्स हैं सिमिलर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं दे हैव द सिमिलर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स अब ये तीनों के तीनों ये तीनों के तीनों जीनस बच्चे ये तीनों के तीनों जीनस एक ही को बिलोंग करते हैं कौन कौन से सोलेनम पिटूनिया एंड दतुरा यह तीनों के तीनों बिलोंग करते हैं बच्चों किस को सोलानसी को बिलोंग करते हैं कौन कौन से सोलेनम पिटूनिया एंड दतुरा ठीक है सोलेनम पिटूनिया एंड दतुरा यह सब एक ही एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं कौन सा आपका क्या सोलनेसी फैमिली को अब इसी के साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर हमने एक और रखा है

ठीक है, बिलोंग करते हैं किसको आपके sapnidals. ये ऑर्डर बिलोंग टू आपके सेपनीडेल्स वाले साथ में ये क्या करते हैं बच्चों ऑर्डर को क्या करते हैं बिलोंग करते हैं एक नहीं एक सेकेंड सैपनी डेल्स नहीं पॉलीमिन सॉरी ठीक है ये बिलोंग करते हैं किसको पॉली

एंड बिलोंग करते हैं बच्चों दे आर गोइंग टू बिलोंग डाइकॉट लिडने ठीक है ये किसको बिलोंग करते हैं बच्चों इसके साथ एक और ग्रुप पड़ता है वो कौन सा मोनोकॉट लिडने का ठीक है ये किसको बिलोंग करते हैं बच्चों मोनोकॉट लिडने को बिलोंग करते हैं ठीक है इसके साथ एक और ग्रुप आ जाता है मोनोकॉट लिडने अब ये दोनों के दोनों एक ही एक ही फाइलम को बिलोंग करते हैं दे आर गोइंग टू बिलोंग टू सिमिलर फाइलम वो फाइलम कौन सा है आपका एनजीओ स्पॉर्म के साथ साथ भैया बहुत सारे जिम्नोसपॉर्म ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा बहुत सारे आते हैं ठीक है एनजीओ बिलोंग करता है किसको एनजीओ के साथ क्या है बच्चे आपका जिम्नोसपॉम आता है ब्रायोफाइटा आता है टेरिडोफाइटा आता है ये सब बिलोंग करते हैं एक ही किंगडम को किंगडम प्लांटे मैं आपको फिर से पूरा समझाऊंगा एक सेकेंड देंगे मैं फिर से पूरा समझाता हूँ पूरी हरार फिर से आपको लेके चलते हैं ठीक है पूरी हरार फिर से लेके चलते देखो मैंने क्या लिया है कुछ नॉर्मल स्पीशीज ली मैंने क्या किया बच्चे कुछ नॉर्मल स्पीशीज ली कौन कौन से पोटैटो मकई और ब्रिंजल हम इसकी हरार चेक कर रहे हैं सोचो हम पोटैटो मकई एंड ब्रिंजल की चेक कर रहे हैं तो ये तीनों के तीनों एक ही स्पीशीज को बिलोंग वो एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं पोटैटो मकई एंड ब्रिंजल ये क्या है बच्चे स्पीशीज है ये क्या है बच्चे स्पीशीज है ये सब एक ही जीनस को बिलोंग कर रहे हैं कौन से सोलेनम नाम के जीनस को सोलेनम के साथ साथ बच्चे पिटूनिया एंड एंडरा इसके अंदर में सेम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है सेम क्या है बच्चों वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं सेम होते हैं ठीक है फिर क्या किया बच्चे हमने क्या देखा ये सोलेनम पिटूनिया को हमने एक ही एक ही फैमिली के अंदर में डाला कौन सा सोलनसी अब सी के साथ साथ बच्चों हमने कॉन्वॉल्वले को रखा और कॉन्वॉलिसी में क्या है बच्चों इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स लगभग लगभग सिमिलर पाए गए और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे क्या बोला पहाड़ का एक छोटू सा पत्थर लिया ठीक है तो वो क्या हो गए बच्चे आपके सोलनेसी एंड कॉन्वॉल्वले

भैया कुछ इस तरीके से आपके हैरान की तरफ मैंने बोला ना पत्थर का मैंने एक बहुत ही छोटू सा पत्थर लिया ठीक है एक पहाड़ का बहुत ही छोटा सा पत्थर लिया है मैंने ठीक है ठीक है अब इसी के कुछ एग्जाम्पल्स पकड़ लेते और जैसे कि आपका बच्चे ये क्या है डॉग भाई साहब ठीक है फ्रेंडलीस्ट चेंज दुनिया में सबसे वफादार इंसान शख्स है ये वफादार शख्स है फैमिली इसकी स्पीशीज क्या बच्चे फैमिलारिस है इसकी स्पीशीज क्या बच्चे फैमिलारिस है जीनस क्या बच्चे कैनस है फैमिली क्या बच्चों कैनेडे है

ट में भी आते हैं क्या नहीं आते नहीं आते तो किस में सिमिलर हुआ क्लास में जाके हम लोग सिमिलर हुए हम लोग कहां सिमिलर हुए क्लास में इससे पहले तक हम लोग अलग अलग थे क्लास आते ही हम सब एक ही क्लास में बिलोंग करते हैं डॉग कैट हम सब एक ही क्लास में बिलोंग करते हैं वो क्या है मिमिलिया वाले क्लास में बिलोंग करते हैं हम सब के पास क्या है कॉर्डेट प्रेजेंट है ये हमारे स्पाइनल तो हम कॉर्डेटा में आते हैं अब ये सब वो देखते हैं में? बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बहुत है ना। एक देखी जाए तो एक बहुत माइंड ब्लोइंग चीज है ऊपर से देख रहे हैं तो किंगडम ऑफ एनिवल अंदर जलते गए चलते गए चलते गए सोचो कितना डीप डग कर रहे हैं हम लोग कितना अमेजिंग चीज है कितना अमेजिंग साइंटिफिकली कितना अमेजिंग चीज है तो इस तरीके से क्या होती है बच्चे आपकी हायर आर प्रेजेंट है अब मुझे आपको मैं आपको क्या पढ़ा रहा था बच्चे वापस आते हैं टॉपिक पे हम मैं आपको क्या पढ़ा रहा था ऑब्लिगेट हायर की शुरुआत की थी मैंने मैंने शुरुआत की थी किसके ऑब्लिगेट एक्नॉमिक कैटेगरी के, के बारे में शुरुआत की थी अब हम शुरुआत करें किससे बच्चे इंटरमीडिएट से नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंटरमीडिएट वन ठीक है हम शुरुआत करेंगे किससे बच्चे इंटरमीडिएट से शुरुआत कर लेते हैं चलो इंटरमीडिएट का नाम से ही बच्चे स्पेसिफिक है इंटरमीडिएट के नाम से ही स्पेसिफिक है ये ये क्या होगा इन बिटवीन ऑब्लिगेट कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों इन बिटवीन ऑब्लिगेट दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट के साथ में प्रेजेंट है ठीक है ऑब्लिगेट के ही साथ में इन बिटवीन ऑब्लिगेट जैसे कि मैं यहां पे पकड़ता हूं यहां पे पकड़ता हूं देखो ऑर्डर और फैमिली के बीच में ऑर्डर और फैमिली के बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चे एक सब होता है। मैं जो ग्रीन कलर से लिख रहा हूं बच्चे जो मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं वो क्या इंटरमीडिएट है जरूरी नहीं है ठीक है इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों सब ऑर्डर बुलाते हैं उसी तरीके से फैमिली के और जीनस के बीच में क्या आता है बच्चे आपका सब फैमिली आता है तो बोलो सर बहुत छोटू सा लिखा है। बेटा बहुत सारी चीजें करनी होती मेरी बोर्ड बोर्ड पे मेरा कभी खाली नहीं रहता इतना इतना सुंदर तरीके से देख रहे हो यही तो मजा आता है इंटरमीडिएट तो होता है अब आता है बच्चे आपका इंफ्रास्पेसिफिक दीवन इज इंफ्रास्पेसिफिक स्पेसिफिक क्या हो गया बच्चे स्पीशीज के नीचे बिलो स्पीशीज क्लासिक बिलो स्पीशीज स्पीशीज के नीचे जैसे कि बच्चे आपको मैंने आपको बता चुका हूं अभी हमने डिस्कस किया था ट्राइनोमल नॉमन के में डिस्कस किया था इसके बारे में स्पीशीज के नीचे क्या आता है बच्चे वराइटी वरायटी आपके इंफ्रास्पेसिफिक के अंदर में बच्चों वराइटी फॉर प्लांट्स वरायटी फॉर प्लांट्स एंड आपका सब स्पीशीज सब स्पीशीज इज फॉर एनिमल

कार्लस कार्लसियस ने कुछ और दिया था बटाई हिस्ट्री बदलती है ना ओरिजिनली कार्लस लिनियस ने क्या दिया था बच्चे आपको वो मैं बताऊंगा ओरिजिनली लिनियस ने दिया था कॉग्सवे ठीक है स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा लीनियस की ओरिजिनली कार्लस लिनियस ने क्या दिया था बच्चे कॉग्स वे दिया था कॉक्सवे दिया था बच्चों आपके कार्लस लिनियस ने कॉक्सवे में सी स्टैंड्स फॉर क्लास स्टैंड फॉर ऑर्डर जी स्टैंड फॉर जीनस एस स्टैंड फॉर स्पीशीज वी स्टैंड फॉर वराइटी उन्होंने ये दिया था ओरिजिनली क्या दिया था वन टू थ्री फोर फाइव वंदर मूरू नालाकूदू वंद एर मूरू नाक को आईदू टोटल फाइव दिया था वन टू थ्री फोर फाइव क्लियर है वन टू थ्री फोर फाइव उन्होंने दिया था ठीक है क्लास ऑर्डर जीनस स्पीशीज एंड वराइटी दी थी बच्चों ने, ने कितने दिया था ओरिजिनलीरार की पांच दी थी लेटर ऑन लेटर ऑन हमने बाकी ऐड किया लेटर ऑन लेटर ऑन हमने क्या क्या ऐड किया भैया किंगडम ऐड किया लेटर ऑन हमने क्या क्या ऐड किया किंगडम ऐड किया फाइलम ऐड किया ठीक है किंगडम और फाइलम मिसिंग है कीप पॉट क्लीन आ गया अदरवाइज आ गया फैमिली मिसिंग थी बच्चों फैमिली एड हुई फैमिली एड हुई तो क्या हो गया कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक और वराइटी को क्या किया लेटर ऑन केपीएफ किंगडम फाइलम किंगडम फाइलम फैमिली एडेड हुआ और वराइटी को क्या किया गया बच्चों रिमूव किया गया ऑब्लिगेट से वराइटी को क्या किया बच्चों रिमूव किया गया ऑब्लीगेट की बात कर रहा हूं बच्चे में मैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेट की बात कर रहा हूं किंगडम फाइलम फैमिली को एड किया गया और वेराइटी को रिमूव किया समझ, समझ में आया क्या बच्चों के कि नहीं मगज में छाया नहीं भैया ये ये पूरा पूरा सीक्वेंस सीक्वेंस समझ में में आया क्या मगज छाया नहीं भैया बहुत इंपॉर्टेंट है मगज में उतार लो और अपना हैशटैग फेमस कर लेंगे हैश मगज में छा गया ठीक है मगज में छा गया हैशटैग लगाएंगे बच्चों लोग ठीक है तो समझ में आया क्या बच्चों के मगज में छाया की नहीं अब हम करेंगे क्या कोई एक और क्विज करेंगे एक और क्विज करेंगे चलो भैया क्विज नंबर टू का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे इजी क्वेश्चन है बच्चों ये इज डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म दैट यू सी जितने भी हम प्लांट देखते हैं बच्चों अपने नेकेड आई से जितने भी हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं प्लांट देखते हैं वो क्या कंसिडर किया जाते हैं स्पीशीज या जीनस पॉपुलेशन या फैमिली मैंने आपको बताया इसका आंसर आपको देना है इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपको देना है अगला क्वेश्चन ये रहा विश टेक्सॉन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर अब आप बोलोगे सर ये सारे आपको आंसर्स कहाँ मिलेंगे हमें तो भैया आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना है पढ़ले नीट पहले नीट वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जाके वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा सिमिलर कैरेक्टर्स ठीक है किसमें सेक्सम मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स है

पास क्या है बच्चे फ्लोरा है वी हैव मैनुअल फ्लोरा है बच्चे हमारे पास क्या है मैनुअल है फिर क्या आता है बच्चे वी हैव जोनल वी हैव वो मोनोग्राफ वी हैव कैटलॉग ठीक है

बोटेनिकल गार्डन नंबरिंग करते जाओ भैया बोटेनिकल गार्डन के बाद क्या आता है बच्चे आपका म्यूजियम फिर आता है बच्चे आपका जू फिर आता है क्या बच्चे आपका की कितने हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है वंदू मूरू नालकूद मूरू नालकूद और इन मतलब टोटल टेन है ठीक है मुझे मुझे कन्नड़ की गिनती में भूल गया हूँ लग रहा है ठीक है थोड़ी थोड़ी भूल चुका हूँ ठीक है टेन तक तो मुझे याद भी नहीं है पाँच तक याद है बस ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टोटल टेन टिक्सनॉमिक एज हैं बच्चा लोग इसकी बहुत सारी एक वर्ड की डेफिनेशन से आपको याद कर लेनी है एक वर्ड की डेफिनेशन है सब कुछ आपकी एनसीआर में मेंशन मेंशन है है ईच एंड एवरीथिंग इज इन योर तो भैया एक एक वर्ड की है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे बच्चों पढ़ लेंगे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे बेटा फ्लोरा से शुरुआत करेंगे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फ्लोरा सबसे पहला क्या आता है बच्चों आपका फ्लोरा आता है तो इसमें क्या होता है बच्चों लिस्टिंग ऑफ प्लांट लिस्टिंग ऑफ प्लांट एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया का लिस्टिंग ऑफ प्लांट ऑफ अ डिफाइंड जियोग्राफिकल एक पर्टिकुलर एरिया का क्या कर रहे हैं बच्चों लिस्टिंग ऑफ प्लांट लिस्टिंग ऑफ प्लांट ऑफ अ डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया और ऑफ अ पर्टिकुलर हैबिटेट एक पर्टिकुलर हैबिटेट का पूरा चेक करेंगे एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों एग्जाम्पल से समझेंगे इसको इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों फ्लोरा का एग्जाम्पल क्या होगा एग्जाम्पल फ्लोरा ऑफ डेली एग्जाम्पल क्या है बच्चे इसका फ्लोरा ऑफ हम के सारे के सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ लेंगे एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चे आपका फ्लोरा ऑफ डेली मतलब हम क्या कर रहे हैं डेली गए डेली में जितने भी प्लांट हैं उसके बारे में हम लिस्ट करें लिस्टिंग ऑफ प्लांट ऑफ डिफाइंड अल एरिया ऑफ पर्टिकुलर हैबिटेट एक पूरे के पूरे एरिया का जैसे कि मैं पटना के पूरे एरिया का या तो फिर लेट सपोज पूरे के पूरे यूपी एरिया का सपोज पूरे के पूरे महाराष्ट्र के एरिया का सपोज पूरे 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 के 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 मुंबई एरिया के मैं क्या कर रहा हूं पूरे के पूरे पौधे के बारे में जान रहा हूं पूरे के पूरे प्लांट्स के बारे में जान रहा हूं तो अब फ्लोरा से ही मिलते जुलता क्या है बच्चे आपका मैनुअल है फ्लोरा से ही बहुत सिमिलर क्या आता है बच्चे आपका मैनुअल आ जाता है तो मैनुअल में बेसिकली क्या है बच्चे आपका इसमें भी क्या हो रहा है लिस्टिंग ऑफ प्लांट हो रहा है डिफाइंड जो एरिया अरे सर ये क्या बोल रहे हो ये तो दोनों पॉइंट सिमिलर बोल दिए ऑफ अ डिफाइंड ऑफ जोग्रफिकल एरिया अब इसके अंदर हो रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप तीसरा पॉइंट बस अलग है इसमें क्या होगा बच्चे डिस्क्रिप्शन होगा ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में ही जानेंगे जैसे कि मैं क्या गया मैं क्या गया मैं दिल्ली के उसमें गया मैनुअल में गया मैं दिल्ली के एक उसमें एरिया में गया साइंटिफिक एरिया में गया और मैंने पहले उसका फ्लोरा चेक किया उसमें कौन-कौन से प्लांट है फिर मैंने मैनुअल चेक किया मैनुअल में क्या चेक कर रहा हूं एग्जांपल मैनुअल ऑफ मैनुअल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स ऑफ दिल्ली मैसिव एक स्पेसिफिक ग्रुप को पकड़ना हूं डिस्क्रिप्शन ग्रुप के प्लांट को क्या कर रहा हूं? बच्चों, पकड़ रहा हूं? अब हम पढ़ते हैं बच्चों अगला है इसी तरीके से याद करने फ्लोरा क्या है, एक जो फाइंड है पूरे के पूरे है है। में, में एक स्पेफिक ग्रुप जैसे कि मैंने पकड़ा। फिर आता है क्या आपका मैं सीक्वेंस लिखूंगा बच्चे यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया मोनोग्राफ डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल टेक्सॉन अब मैंने क्या करना है सिर्फ एक ही के बारे में जानना है एक ही टेक्सोनॉमिक ग्रुप के बारे में जानना है इसमें क्या होगा बच्चे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल टेक्सॉन एक सिंगल टेक्सॉन का डिटेल इंफॉर्मेशन डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल टेक्सऑन एक ही टेक्सऑन का हमें डिटेल इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल जानेंगे बच्चों एग्जाम्पल क्या है बच्चे मोनोग्राफ ऑफ रोजा मुझे सारे रोजा के बारे में जानना है मुझे सिंगल जीनस एक जीनस के बारे में जानना है तो वो हो गया ठीक है अब आता है बच्चे इसके बाद क्या आता है ये हो गया पहला दूसरा तीसरा अब हम जानते हैं जर्नल के बारे में जर्नल क्या है बच्चों रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग रिसर्च जितनी भी बच्चों आपकी रिजल्ट मतलब जो भी रिसर्च चल रही है उसका रिजल्ट रिजल्ट्स रिजल्ट ऑफ ऑन गोइंग रिसर्च रिजल्ट ऑफ ऑन गोइंग रिसर्च जितनी भी रिसर्च चल रही है बच्चों उसका रिजल्ट जैसे कि लट सपोज मेरी भी कुछ जर्नल्स हैं मेरी भी कुछ जर्नल्स है तो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं लेट सपोज आप कोई कोविड कोविड नाइन्टीन पे रिजल्ट कर रहे हो आपने कुछ रिसर्च की तो आप क्या करते हो बच्चों जर्नल में पब्लिश कराते हो ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आपकी फाइंडिंग्स को ढूंढ सकें ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आपकी फाइंडिंग्स को क्या कर सकें बच्चों ढूंढ सकें पहला दूसरा तीसरा चौथा पूरा वोट भर गया मजा आया चार हो चुके हैं चार हो चुके हैं बाकी मैंने सीक्वेंस ही लिखा बस मैंने यहां पर सीक्वेंस थोड़ा सा किया अब हम पढ़ेंगे क्या कैटलॉग के बारे में नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैटलॉग कलर व्हाइट नंबर द नंबर इज फोर्थ दिस विल बी फिफ्थ कैटलॉग कैटलॉग क्या है कैटलॉग बेसिकली बच्चे वो फोन बुक देखिए अब पुराने जमाने में जैसे आपके दादाजी दानन जी अब तो नहीं होगी अब तो क्या है भैया हम लोग का मोबाइल नंबर रखते हैं व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर ठीक है हम लोग क्या रखते हैं बच्चे हम लोग सब लोग अपना मोबाइल फोन रखते हैं अब हम तो पहले हमारे पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे तब हम क्या करते थे बच्चों चीज़ों को चीज़ों को हम क्या करते थे नंबर्स को मेमोराइज करते थे सारे के सारे नंबर्स को अपने जहन में उतार के रखते थे या तो फिर क्या करते थे बच्चों एक फोन बुक बना देते हम क्या करते थे बच्चों एक फोन बुक एक फोन डिक्शनरी बना के रखते थे उसी के अंदर में मतलब पूरी की पूरी ए बी सी डी के हिसाब से होता है ए से जिसका नाम है अमित वर्म अमित अंबर जो भी नाम है बच्चे ए से सारे नाम निकाल लिए बी से अच्छा बिट्टू बंटी सारे नाम निकाले एस से सलमान एस से जो भी नाम हो सकता है समायरा जो भी हो सकता है बच्चे एस से सारे नाम हमने निकाल लिए

alphabetical arrangement ऑफ alphabetical arrangement ऑफ स्पीशीज हम क्या कर रहे हैं बच्चों एल्फाबेटिकली अरेंज कर रहे हैं किसको स्पीशीज को क्या कर रहे हैं बच्चों अरेंज कर रहे हैं इट इज व्हाट एल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज अब ये क्या करता है इट विल प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीशीज ये क्या करता है बच्चों प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन आपको किसी भी स्पीशीज के बारे में जानना है यहां से आप पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन निकाल लोगे प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीशीज क्लियर है बच्चों क्लियर है कि नहीं अब इसके बाद क्या आता है बच्चों आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट छठा द वन इज हर्बेरियम भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा द फोर मोस्ट इंपोर्टेंट इज हर्बेरियम इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार क्या कर चुके हैं बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ठीक है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या बच्चे आपका हर्बेरियम तो इस हर्बेरियम में क्या होता है बच्चे इसके अंदर भी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं स्टोरेज ऑफ स्टोरेज ऑफ ड्राइड कॉमा प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमिन mounted on mounted on herbarium sheet. तो बच्चे आपको स्कूल में कभी ना कभी तो एक समर वेकेशन पे आपको कुछ ना कुछ तो एक होमवर्क मिला होगा कभी हॉलिडे होमवर्क मिला होगा जिसमें आपको क्या कहा हो गया होगा कम से कम 20 अलग अलग पौधे लो उसको क्या करो सुखाओ और उसको एक नोट को क्या कहते हैं ए फोर शीट वाली कॉपी में आप क्या करो उसको पेस्ट करो या अपनी लैब मैनुअल में जाके पेस्ट करो भैया मुझे तो मिला था मुझे तो ये पर्टिकुलर एक बार का हॉलीडे होमवर्क था ये समर वेकेशन में हॉलीडे होमवर्क मुझे मिला था क्या किया करने को कहा था अलग अलग दस से पंद्रह अलग अलग पौधे लेने हैं उसका नाम लिखना है कहां से लिया था वो तो उसी तरीके से बच्चे ये बड़े स्केल पे करें हरबेरियम क्या बच्चों दिस स्टोरेज ऑफ ड्राइड प्रेस्ड प्लांट स्पेसम माउंटेड ऑन हरबेरियम शीट तो बच्चे हम क्या कर रहे हैं ड्राई कर रहे हैं प्लांट को कर रहे हैं ताकि सारा का सारा उसके अंदर इस निकल सके माउंट माउंट कर कर रहे हैं कर रहे हैं हैं किस पे पे शीट अब ये जो अरेंजमेंट होता है, है, है बच्चों ये मैं अगले चैप्टर में आपको इसमें कवरेज होगा अरेंजमेंट इज बेस्ड ऑन बेंथम एंड मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा ठीक है आगे चल के बच्चों में ये आपको पढ़ाऊंगा इन प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम के जब हम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी आप लिख लीजिए ये किससे होता है बैंथम एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बैंथम एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार होता है दिस अरेंजमेंट इज बेस्ड ऑन बेंथम एंड हुका नेचुरल अभी आपको बस ये याद करना अरेंजमेंट किसके बेसिस पे है बच्चे अरेंजमेंट किसके बेसिस पे किस साइंटिस्ट के बेंथम एंड हुकर के बेसिस पे है ठीक है बेंथम एंड हुकर के बेसिस पे, पे अरेंजमेंट किया गया उसके नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर ने दिया था उसके बेसिस पे था तो बेसिकली कैटलॉग के एक छोटा सा डायग्राम देख सकते हैं बच्चे जैसे कि एक बच्ची ने क्या किया एक प्लांट लिया उसको क्या किया माउंट किया फिर उसने क्या किया प्रेस किया और इस तरीके से प्रेस करने के बाद एक हर्बेरियम शीट उसने बनाई ठीक है कुछ इस तरीके से उसने हर्बेरियम शीट बनाया और कुछ इस तरीके से बच्चे आपका एक नॉर्मल हर्बेरियम शीट दिखती है ठीक है इस तरीके से बच्चे आपकी एक हर्बेरियम शीट दिखती है जिसमें हमने क्या करके देख सकते हो बच्चों एक एकदम सूखा हुआ पौधा

स्टेप नंबर वन आपका कलेक्शन सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं सबसे पहला स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चे इन प्लांट्स को कोई सा भी प्लांट ले रहे हैं बच्चों उसको हम क्या कर रहे हैं कलेक्शन कर रहे हैं ठीक है अब ये जो कलेक्शन है बच्चों ये दो फॉर्म में हो सकते हैं ठीक है दिस कलेक्शन कैन बी ऑफ टू फॉर्म्स ये बच्चे प्लांट कैसा हो सकता है वुडी हो सकता है ट्रीज हो सकते हैं ठीक है प्लांट कैन बी ट्रीज प्लांट ट्रीज हो सकते हैं या कैसे हो सकते हैं बच्चों हर्ब्स या श्रब्स के फॉर्म में हो सकते हैं प्लांट बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं हर्ब्स के फॉर्म में या कैसे हो सकते हैं बच्चों श्रब्स या बड़े-बड़े ट्रीज़ के फॉर्म में हो सकते हैं तो जब हर्ब्स तो पूरे पूरे क्योंकि हर्ब्स क्या होते हैं बहुत छोटे छोटे जैसे धनिया का पौधा धनिया का पौधा तो बहुत छोटा सा पौधा होता है ठीक है इसमें क्या होते हैं होल प्लांट होल प्लांट अलोंग विथ कलेक्टेड हम पूरा का पूरा प्लांट ले रहे हैं अलोंग विथ रूट रूट के साथ हम पूरा का पूरा प्लांट ले रहे हैं श्रब्स में बच्चों हम पूरा का पूरा प्लांट नहीं लेते हम इसमें क्या लेते हैं छोटी सी ट्विग काटते हैं ट्विग ऑफ प्लांट ट्विग ऑफ प्लांट क्या हो गया बच्चे छोटा सा सेगमेंट हो गया अब ये थर्टी टू फोर्टी सेंटीमीटर का हो सकता है 30 से 40 सेंटीमीटर का हम क्या कर रहे हैं बच्चों ट्विग ले रहे हैं अब लेट सपोज आप कलेक्शन गए आप क्या पौधे को उस पौधे को हाथ में लेके घूमोगे क्या हाथ में ले घूमोगे क्या नहीं ना हम इस पौधे को क्या करते हैं बच्चों इस प्लांट को हम क्या करते हैं हम रखते हैं बच्चों वैक्सिलम में वी कैन कैप्ट इन टू वैक्सिलम वैक्सलम क्या है बच्चे आपका मेटैलिक बॉक्स है वॉट इज वैक्सिलम वैक्सिलम क्या होता है एक मेटेलिक बॉक्स है अगर लेट सपोज ये नहीं है आपके पास चलो भाई नहीं है हमारा गवर्नमेंट वाला है हमारे पास वैक्सिलम नहीं है वैक्सिलम नहीं है मेटालिक बॉक्स नहीं है तब हम क्या करेंगे इसको प्लास्टिक बैग में लेके आएंगे पॉलिथिन बैग में हम क्या करेंगे बच्चों इसको कलेक्ट कर लेंगे या कर ले या फिर में 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 लेके आएंगे मेटालिक बॉक्स किसी प्लास्टिक बैग इसको प्रॉपर तरीके से बंद करके लेके आएंगे ठीक है तो ये हो गया बच्चे आपका पहला स्टेप स्टेप पहला step क्या था कलेक्शन कलेक्शन में हमने क्या किया इस पौधे को हमने क्या किया एरिया से क्या किया कलेक्ट किया फिर क्या आता है बच्चे आपका ड्राइंग फिर क्या आता है बच्चे आपका अगला स्टेप आता है ये हो गया बच्चे आपका फर्स्ट स्टेप कलेक्शन दिस इज द फर्स्ट स्टेप कलेक्शन दूसरा स्टेप क्या है बच्चे आपका ड्राइंग ड्राइंग मतलब सुखाना हिंदी में मतलब भैया बोलोगे सर हिंदी तो बोलती है हां ड्राइंग का मतलब क्या हो गया बच्चे सुखाना ही हो गया आपका ड्राइंग का मतलब तो इसमें स्पेसिमेन को क्या करते हैं बच्चों स्पेसिमेन इज कवर्ड विथ पेपर हमने क्या करेंगे बच्चों स्पेसिमिन को क्या करेंगे पूरे के पूरे पेपर पे क्या कर लेंगे कवर कर लेंगे जैसे लेट्स सपोज ये क्या क्या है है मैंने क्या किया इसको पूरे पूरे के पेपर से रैप कर दिया अब क्या किया बच्चों एक यूनिफॉर्म सरफेस पे रखा फिर कोई और इसके ऊपर सरफेस रख दिया उसको दबा दिया जैसे कि ये देखिए इस डायग्राम में देखिए इन्होंने क्या कर रहे हैं इस इसमिन को क्या किया एक पेपर से रैप किया और फिर इसको दबा दिया इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं बच्चों स्पेसिमिन इज कवर्ड विद पेपर और फिर क्या करेंगे बच्चों यूनिफॉर्म प्रेसिंग हर तरफ से बराबर प्रेसिंग हो यूनिफॉर्म प्रेसिंग करेंगे जब हम यूनिफॉर्म प्रेसिंग करेंगे तो क्या होगा मान के रखो लेट्स सपोज ये हो ना हो ना मैं बस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं लेट्स सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं मैं यहां पे खड़ा हूं यहां से दीवार आई और यहां से दीवार आई पच खत्म एक बार में खत्म बाय बाय टाटा इनना लिल्लाहि वना इलैहि राजिउ बाय बाय टाटा हो गया भैया मतलब क्या होगा पूरा का पूरा खून बाहर आ जाएगा

Sap, मतलब जो फ्लोएम के अंदर में मतलब जो भी फूड प्रोडक्ट है बच्चों वो क्या आ जाएगा बच्चे बाहर आ जाएगा पूरा का पूरा फूड प्रोडक्ट क्या जाएगा? आ जाएगा बच्चों बाहर आ जाएगा इज एक्सपोज बाहर आ गया फिर हम क्या करेंगे बच्चों अब बेटा बात है भैया पेपर में रैप किया था पेपर गीला होगा पेपर क्या होगा बच्चों गीला होगा बैक टू बैक न्यूज पेपर को हम क्या करेंगे बच्चों चेंज न्यूज पेपर इज चेंज अगर हम न्यूज पेपर ले रहे हैं तो न्यूज पेपर इज चेंज्ड until it is dried. जब तक तो ये पूरी तरीके से सूख ना जाए हम क्या करेंगे बच्चों न्यूज़पेपर को क्या करेंगे बदलते रहेंगे हम क्या करेंगे ड्राइंग के अंदर में हमने क्या किया स्पेसिमेन को कवर किया और फिर इसको हमने उसको मूव कर दिया ठीक है अब हम क्या करते हैं जब ये ड्राइंग कर रहे हैं साथ में सबके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं बच्चों इसको हम पॉइजनिंग भी कर रहे हैं पॉइजनिंग क्यों करेंगे बेटा देखो Let's suppose, कभी भी आपके आसपास से क्या होता है लेट सपोज आप वो खा रहे हो रसगुल्ला खा रहे हो मुझे भी बहुत पसंद है ठीक है रसगुल्ला खा रहे हो तो अगर उसका रस गिर जाए तो क्या होता है ऑटोमेटिकली देखोगे एक कोई जादुई शक्ति होती है उसके पास सारे चीटियां वहीं पर आ जाती सारे क्या हो रही चीटियां अब बेटा हम तो यहाँ पे फ्लोम को कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं उसका लिक्विड में क्या करेंगे? भगते हुए आएंगे अब ये हमारे सैंपल को क्या कर सकते हैं खराब कर सकते हैं इरोड कर सकते हैं तो अब हम केमिकल्स में क्या करेंगे बच्चों इसके पॉइजनिंग में हम क्या करेंगे बच्चों सर्टन केमिकल्स एड करेंगे लाइक पॉइंट वन परसेंट मर्कुल्लोराइड एच जी सी एल टू जीरो पॉइंट वन परसेंट मर्कुल्लोराइड एच जी सी एल टू डालेंगे इंसेक् बच्चों इंसेक्ट का इंफेक्शन होने रो, से रोक देगा इंसेक्ट्स को रोकेगा ठीक है इंसेक्ट्स इसके ऊपर अटैक ना कर सके क्योंकि भाई बट ऑफिस से बात है उनके लिए तो लग गया क्या बुफे लग गया है उनके लिए तो क्या लग गया बच्चों बुफे लग गया है ठीक है और साथ में हम क्या कर सकते हैं बच्चों हम डीडीटी डालते हैं ठीक है डीडीटी डालते हैं बच्चों ये एक्ट करता है क्या एज अ फंगीसाइड फंगस की ग्रोथ को रोकेगा ये क्या करेंगे बच्चों इसको हमने क्या किया फंगिसाइड डाला अब ये क्या करेगा बच्चों फंगस की ग्रोथ को क्या रखेगा रोकेगा फंगस की ग्रोथ को क्या करेगा बच्चों चेक करके रखता है कि कहीं भैया फंगस ज्यादा ना ग्रो हो ठीक है फंगिसाइड हमने डाल दिया ताकि हमने फंगस की ग्रोथ को रोक दिया अगला स्टेप क्या है बच्चों माउंटिंग स्टिचिंग एंड लेबलिंग अगले स्टेप बेटा हमने एक साथ लिख रहे हैं माउंटिंग अगला स्टेप क्या है माउंटिंग फिर अगला स्टेप क्या होता है स्टिचिंग ये सब एक साथ ही करते हैं और फिर क्या है बच्चों आपका लेबलिंग हम क्या किए बच्चे हम क्या लेंगे बच्चों हम इसको माउंट करेंगे हम क्या रखेंगे एक पेपर पे रखेंगे हम क्या रखेंगे इस तरीके से एक पूरे के पूरे पेपर पे रखेंगे माउंटिंग 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 मतलब मतलब रखना मतलब रखना फिर क्या किया धागे से बांध दिया चिपका दिया जिस भी तरीके से आपको करना ताकि वो मूव ना कर सके उसको कह दिया स्टिचिंग फिर हमने लेबल प्रोवाइड कर दिया ठीक है अब इसको हम करते हैं माउंटिंग स्टिचिंग एंड लेबलिंग करते हैं ऑन अ इंटरनेशनल साइज हर्बेरियम शीट इंटरनेशनल साइज कि एक हर्बेरियम शीट होती है उसके ऊपर करते वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस इंटू इंटरनेशनल साइज हर्बेरियम शीट जिसका साइज क्या है फोर्टी वन इंटू ट्वेंटी नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है एक सेकेंड इसका साइज क्या है हमने इसके ऊपर क्या कर दिया हरबेरियम शीट रख दी बेटा ये साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया फोर्टी वन इंटू ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है आपके एम्स एग्जाम में

ठीक है ये आ गया क्या बच्चे आपका हर्बेरियम शीट आ गया इस तरीके से बच्चे हमने एक पौधा रख दिया लाइक दिस वी हैव केप्ट प्लांट ठीक है like this, पूरा का पूरा हमने पौधा रखा है अब बेटा हम इसको देखो ये मेरा राइट हैंड है राइट हैंड के नीचे की तरफ यहां पे बच्चा हम क्या करेंगे लेबलिंग करेंगे यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों की पर्ची चिपका देंगे नाम की पर्ची चिपका देंगे अब इस नाम की पर्चिंग इस लेबलिंग में बच्चे हम क्या क्या ऐड करते हैं वो इंपॉर्टेंट है क्या बच्चे आपका वर्नैकुलर नेम लोकल नाम वर्नैकुलर नेम लिखते हैं बच्चे हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं साइंटिफिक नेम लिखते हैं फैमिली का नाम लिखते हैं ठीक है हम वर्कुलर नेम लिखते हैं बच्चे साइंटिफिक नेम लिखते हैं फैमिली का नाम लिखते हैं डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखते हैं डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन कब और कहा कैसे इकट्ठा हुआ डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखते हैं साथ में हम क्या लिखते हैं बच्चों आपका ऑथर्स नेम या साइंटिस्ट नेम ऑथर नेम या हम बोले अगर एग्जैक्टली बोले तो साइंटिस्ट का नेम कई कई सारी सारी किताबों किताबों में में साइंटिस्ट साइंटिस्ट लिखा लिखा है लिखा है, है? बच्चों बच्चों? पे ठीक तो ये हो हो गया कौन से स्टेप, कितने स्टेप कितने गए दो तीन चार पांच छह स्टेप हो चुके हैं बच्चे ये हो चुके आपका छह स्टेप अब हम क्या कर देंगे, कर देंगे. जैसे ही ये बन जाएगा हम क्या कर देंगे बच्चों में जाके डिपॉजिट कर देंगे फिर आता है इसको हम जाके क्या कर देंगे बच्चों डिपॉजिट कर देंगे अगर हमने इस तरीके से किया तो हम क्या कर देंगे डिपॉजिटेड इन इन हरबेरिया हरबेरिया में जाके क्या करते हैं बच्चों हम डिपॉजिट करते हैं हम क्या करते हैं बच्चों इसको हरबेरिया में जाके क्या कर देंगे बच्चों इसको हम डिपॉजिट कर देंगे ताकि कोई और इसको आराम से इसके बारे में क्या कर सके बच्चों पढ़ सके जैसे कि अब मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा बच्चों आपका क्या है रॉयल ब्लू गार्डन इंग्लैंड में है कुछ आपके हर्बेरिया का एग्जाम्पल लिखेंगे एग्जाम्पल आपका रॉयल ब्लू गार्डन हरबेरिया रॉयल ब्लू गार्डन जो कि आपका इंग्लैंड में है रॉयल ब्लू गार्डन यहां पे कहां पे बच्चों इंग्लैंड में इसके अंदर में अराउंड साठ हजार सॉरी सिक्स, सिक्सटी लाख सिक्सटी लाख प्लांट्स सिक्सटी लाख प्लांट्स है बच्चों साठ लाख प्लांट्स से रॉयल ब्लू गार्डन कहां बच्चे आपका रॉयल ब्लू गार्डन हर्बेरिया आपका कहां पे इंग्लैंड में उसी तरीके से आपका सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया इंडिया में ठीक है सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया जो आपका कैलकटा में है आपका कैलकटा में है वो आपका इंडिया में आप सभी को पता है ठीक है इसके अंदर में हम 20 लाख स्पीशीज को रखते हैं तो इसका बेसिक मकसद क्या है बच्चों इसका बेसिक मकसद क्या आइडेंटिफिकेशन करना ठीक है हम इसका बेसिकली क्या करें बच्चों मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करें जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों अल्फा टेक्सोनॉमी इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों अल्फा टेक्सोनॉमी कर रहे हैं अल्फा टेक्सोनॉमी में बेसिकली क्या आ गया बच्चों आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी करना हम क्या करेंगे बच्चों इसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं ठीक है एज वेल एज हम क्या कर रहे हैं बच्चों आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको हम यूज कर रहे हैं वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर आइडेंटिफिकेशन ठीक है इसको हम यूज करते हैं किसके लिए आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं तो ये हो गया क्या बच्चे आपका हर्बेरिया समझ में आया कि नहीं बच्चों लोग हर्बेरिया समझ में आया कि नहीं हमने क्या किया बच्चों एक प्लांट लिया उसको सुखाया उसके ऊपर पॉइजन डाला फिर क्या किया बच्चों उसको डिपॉजिट कर दिया मतलब उसको हमने माउंटिंग स्टिचिंग एंड लेबलिंग के बाद हमने क्या कर दिया एक स्पेसिफिक हरब में जाके डिपॉजिट कर दिया सिंपल था ये बहुत ज़्यादा सिंपल था ठीक है समझ में आ गया होगा मगज में भी एकदम प्रॉपर तरीके से भाई समझ में आ गया होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है कौन सा नंबर चल रहा था लेटेस्ट सीधा नंबर फर्स्ट ठीक है कौन सा नंबर था भैया छठा नंबर सातवें नंबर पे आएंगे ठीक है लेट्स मूव टूवर्स द सेवंथ नंबर वो क्या है आपका बोटेनिकल गार्डन ठीक है सेवंथ नंबर क्या है बच्चे आपका बोटेनिकल गार्डन है अब बेटा बोटेनिकल गार्डन बहुत सारे बच्चे गए होंगे बहुत सारे बच्चे आपके बोटेनिकल गार्डन गए होंगे जैसे कि मैं आपको एक एक बोटैनिकल गार्डन जैसे मैं गया था अभी रिसेंटली मैं लास्ट बोटैनिकल गार्डन गया हूँ कौन से आ, बैंगलोर वाले लास्ट बोटैनिकल गार्डन गया था आपका लाल बाग बोटैनिकल गार्डन ठीक है लालबाग बोटैनिकल गार्डन है वहाँ पे तो बेसिकली बोटानिकल गार्डन क्या होते हैं बच्चे एक एरिया में हर एरिया में क्या होता है एक बोटानिकल गार्डन है आप जाके चेक करिएगा जैसे लखनऊ में है ठीक है लखनऊ वाला बोटानिकल गार्डन मेरे घर के बहुत करीब भी पड़ता है मेरा एक रिसर्च भी वहाँ से ठीक है मेरा एक रिसर्च भी है किसके ऊपर टिश्यू कल्चर प्लांट टिशू कल्चर के ऊपर जब मैं पी टी पढ़ाऊंगा मैं आपको उस रिसर्च के बारे में भी पढ़ाऊंगा ठीक है पी प्लांट सी टिशू कल्चर मैंने किया था वहाँ पर मैंने वहाँ पर बनाना के ऊपर काम किया था ठीक है बोटेनिकल गार्डन लखनऊ वाले पे मैंने काम किया था तो बेसिकली बोटेनिकल गार्डन को हम क्या बोलते हैं बच्चों इसमें इसको हम कंसिडर करते हैं क्या वी कॉल दम एज लिविंग हर्बेरिया मतलब यहां पे हम पौधों को मार नहीं रहे इसके अंदर में हमने क्या किया था बच्चों मारा था पौधों को वी हैव किल्ड प्लांट इस हर्बेरिया में हमने क्या किया था प्लांट को मारा था बट इसमें हम प्लांट को मार नहीं रहे इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों लिविंग हर्बेरिया बुलाते हैं तो इसमें क्या होता है साइंटिफिक ये क्या है बच्चों ये क्या है एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है ये बेसिकली क्या है बच्चों इट्स अ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ये क्या है बच्चों एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है फॉर स्टडी फॉर स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ प्लांट्स सारे के सारे प्लांट्स हम इसी एरिया में ग्रो करने की कोशिश करते हैं कोई सा भी आपका एग्जॉटिक प्लांट भी क्यों ना हो उस एरिया में कोई सा भी आपका सागजॉटिक प्लांट है तो उसको भी हम क्या करते हैं बच्चों इसी एरिया में क्या कर रहे हैं इसी बोटेनिकल गार्डन में क्या करते हैं ग्रो करते हैं रिसर्च है है? होती है आप लोग भी जाके उस पर क्या कर सकते हैं बच्चों इन सारे इंस्टीट्यूट में जाके क्या कर सकते हैं रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है तो अब इसमें क्या होता है बच्चों इसमें भी हम क्या करते हैं प्लांट्स को लेबल करते हैं ठीक है इसमें भी प्लांट्स के ऊपर क्या होती है बच्चों लेबलिंग होती है लेबलिंग इज डन अब आप कभी अगर जू गए होगे बेटा जू गए होगे तो जू में क्या होता है जू के प्लांट्स पे भी क्या होता है लेबल लगा होता है अब आप देखिए याद करिए आंख बंद करिए और याद करिए कभी आप किसी किसी गार्डन में गए होगे गार्डन के ऊपर आपने क्या देखा होगा प्लांट पे नेम प्लेट देखी होगी गार्डन में भी क्या देखा होगा बच्चों प्लांट के ऊपर नेम प्लेट देखी होगी तो उसमें नेम प्लेट में क्या होता है लेबलिंग में क्या होता है बच्चे इसका वर्नेकुलर नेम वी मैंशन वर्नेक्युलर नेम हम वर्नैकुलर नेम लिखते हैं साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं हम इसके अंदर में वर्नैकुलर नेम साइंटिफिक नेम और फैमिली का नाम लिखते हैं बस ठीक है हम ये सारी चीजें लिखते हैं अब इस बोटेकल गार्डन का मेन मकसद क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हम क्या कर सके आराम से प्लांट्स के बारे में जान सके आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन कर सके और ये क्या है बच्चों इट्स एक्स एक्सेटू कंजर्वेशन मेथड ये यह एक्सेटू कंजर्वेशन है एक्स एक्सेटू का मतलब क्या है बच्चों ऑफ साइट मतलब हमने क्या किया जहां पे लेट सपोज कहीं पे पौधा मर रहा है आप क्या कर रहे हैं बच्चों ये पौधा नहीं ग्रो कर पा रहा है उस एरिया में क्या हो रहा है बच्चों लेट सपोज कोई भी किसी भी कोई भी कुदरती आपदा आ रही है या ह्यूमन मेड वो प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है वहां के प्लांट्स मर रहे तो हम क्या करेंगे बच्चों वहां से उस पौधे को लेके आएंगे और बोटेनिकल गार्डन में रखते हैं ठीक है एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ साइड कंजर्वेशन एनसी टू का मतलब क्या हो गया वहीं के वहीं हमने तंबू गाड़ के प्लांट को बचा लिया लेकिन एक्सीटू में क्या करते हैं बच्चों हम पौधे को उठाएंगे लेके आएंगे और ग्रो करते हैं ठीक है तो ये हो गया क्या बच्चे आपका बोटेनिकल गार्डन अब कुछ एग्जाम्पल भी लिखा जाए कि नहीं एग्जाम्पल भी लिखा जाए कि नहीं तो अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में है बच्चे जिसमें मैंने काम किया है वो कौन सा है नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ नेशनल बोटेनिकल गार्डन मैंने पूरा काफी टाइम बिताया है इसके अंदर में नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ क्योंकि एक तो पहली बात मेरे घर के बहुत करीब था ये ठीक है इसीलिए नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ और क्या है बच्चों एक और है इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा मतलब आपके कैलकटा में हावड़ा भैया ब्रिज तो याद ही होगा ना ठीक है आपका आपका क्या है इंडियन गार्डन कैलकटा या कोलकाटा जो भी आप कहते हैं उसके में ठीक है इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहां पे बच्चे आपका कोलकाता में है या कैलकटा जो भी आप कहें वहां पे ये प्रेजेंट होता है फिर आता है बच्चे आपका साथ हो चुका है अब हम आठवें बढ़ते हैं लेट अस मूव टूवर्ड्स एट वन आठवे पे चलते हैं बच्चों आठवा हम यहीं पे लिख लेते हैं द एथ वन इज म्यूजियम म्यूजियम में बेसिकली क्या हो रहा है बच्चों कलेक्शन ऑफ डेड डेड प्लांट्स एंड एनिमल है यहां पे बच्चे हम क्या कर रहे हैं कलेक्शन कर रहे हैं किसकी कलेक्शन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल कलेक्शन किसकी करेंगे बच्चों हम डेड प्लांट एंड एनिमल को क्या कर रहे हैं बच्चों हम इसके अंदर में कलेक्ट करते हैं प्रिजर्व करते हैं कलेक्शन कहें या क्या कहें प्रिजर्वेशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल प्रिजर्व करके रखें ताकि हम इसके ऊपर स्टडी कर सकें ठीक है बच्चों तो अब हम इसको किसमें प्रिजर्व करते हैं बच्चों वी कैन प्रिजर्व दम इन टू जार्स हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों जार्स में प्रिजर्व कर सकते हैं जैसे आपके स्कूल लैब्स में होते हैं स्कूल लैब्स में अंदर में क्या होता है बच्चे इसके अंदर में एल्कोहल एल्कोहल प्लस डाल के हम क्या करते हैं इसको प्रिजर्व करते हैं ठीक है एल्कोहल एंड मैं सही से लिख देता हूं फॉर्मुल डाल के इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं आपके स्कूल लैब्स में किया जाता है इट कैन बी इंसेक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं बच्चों इंसेक्ट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं कैसे

और क्या होता है लार्ज एनिमल्स आर स्टफ्ड बहुत सारे लार्ज एनिमल्स को हम क्या करते हैं स्टफ करके रखते हैं भूसे से इसको स्टफ करते हैं 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 लार्ज एनिमल्स आर स्टफ्ड स्टफ्ड ठीक ठीक है है उसको हम क्या कर रहे रहे बच्चों करके रख तो अगर मैं एक म्यूजियम के बारे में बात करूं तो वो क्या है दिल्ली का आपका नेशनल म्यूजियम ठीक है बहुत ही फेमस म्यूजियम है बच्चे आपका दिल्ली का बहुत ही अच्छा म्यूजियम है अगर आप कभी दिल्ली आओ तो उस म्यूजियम में जरूर जरूर, जरूर जाना ठीक है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एक ये क्या है बच्चे कहां पे नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नेशनल म्यूजियम ऑफ मैं जा चुका हूं यहां पे तभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये आपका दिल्ली में है प्रगति मैदान के पास पड़ेगा ठीक है, है ये आपका दिल्ली में है जरूर जाना यहां पे बहुत बेहतरीन जगह है बहुत ही बेहतरीन जगह है आपका बेस्ट पिकनिक स्पॉट बन जाएगा ये सेवंथ पॉइंट हो चुका है बच्चे अब हम बढ़ेंगे एट्थ नहीं है ये था ये था बच्चे आपका एट अब हम चलेंगे बच्चों नाइन्थ पॉइंट जिसको हम क्या बुलाते हैं जू जू या जूलॉजिकल पार्क सभी लोग गए होंगे यार जू ऐसा बहुत ही रेयर लोग होगा जो कभी जू ना गया हो ठीक है जू को ही हम क्या बुलाते हैं जूलॉजिकल पार्क बुलाते हैं इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं हम यहां पे क्या कर रहे हैं बच्चों यहां पे जानवरों के ऊपर पत्थर मारते हैं ठीक है हम यहां पे जाते हैं जानवरों के ऊपर पत्थर मारने के लिए जानवरों के सामने हु करने के लिए एक्टिंग करने के लिए जानवरों के सामने हम इसलिए जाते हैं क्या ये सच है हम क्या जू इसलिए जाते हैं नहीं हमें नहीं जाना चाहिए बेटा हमें जू में जाके कभी जानवर के ऊपर पत्थर नहीं मारना चाहिए यार क्यों मारते हो पत्थर क्यों मारते हो अगर कोई मार रहा है तो रोको ना यार कोई जाके उसकी एक्टिंग कर रहा है तो रोको ना यार उसको क्यों परेशान करना है उसको क्यों परेशान कर रहे हो एंड यू नो वॉट और जू जाना भी चाहिए बहुत जरूरी है जू जाना मैं अभी रिसेंटली एक बाली के जू में गया था इंडोनेशिया में बाली ठीक है मैं बाली के जू में गया था एंड यू नो वॉट एक फ्रेंच कपल थे देवर टॉक इंग इंग्लिश आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश ठीक है एंड आई आई कैन अंडरस्टैंड फ्रेंच ऑल्सो ठीक है थोड़ा बहुत फ्रेंच आती है मुझे तो वो दे वर टॉकिंग इंग्लिश एंड उन्होंने बेसिकली क्या था हाँ जिराफ देखा था उन्होंने ये एक रियल कहानी उन्होंने क्या देखा बच्चों जिराफ देखा जिराफ को देखते ही क्या बोले अरे देखो जबरा जाओ पढ़ो उनके बारे में तभी वहां पे तभी पता इन्हीं सारे लोगों के लिए क्या रखा है बच्चे वहां पर स्टोन माउंटेड रखा होता है जिसमें लोगों को बताया जाता है जिसमें लोगों को बताया जाता है भैया ये ये एक जबरा नहीं है ये एक है या एक जिराफ नहीं है यह जबरा है बहुत जरूरी है तो उसमें जोलॉजिकल पार्क में क्या होता है बच्चों एनिमल्स आर केप्ट इन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं बच्चों एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विथ इन नेचुरल एनवायरमेंट हमेशा देखोगे बच्चों सबका एक नेचुरल एनवायरमेंट होता है कभी भी आप यह नहीं पाओगे कि आपने आपने एलिफेंट को रख रखा है किसमें एक रेगिस्तान की जगह पे रख रखा है कभी नहीं पाओगे ठीक है एलिफेंट को रेगिस्तान की जगह पर रख नहीं पाओगे अलग अलग क्यों रखा जाता है फॉर फॉर स्टडी स्टडी पर्पज के लिए रखते हैं हम लोग इसको ना कि पत्थर मारने के लिए स्टडी पर्पज के लिए रखते हैं एज वेल एज उसका क्या करने के लिए बच्चों टू इंक्रीज देयर टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन उनकी इंक्रीज करने के लिए क्या बच्चों पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए अब मैं एक बात बताऊं बच्चों एशिया का एक कई किताबों मैंने भैया ये पढ़ा एशिया का फाइनेंस जू लेकिन मैं कहता नहीं हुई लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंस जू पता है कहां परू इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेस्ट जू कौन सा है बच्चे पता है आपको इंडिया का फाइनेस्ट जू कौन सा होता है बच्चे आपका डेली का जू है जाना जरूर बहुत खूबसूरत है बहुत खूबसूरत है मैं कई बार जा चुका हूं ये सारे जू बच्चे मेरे मेरी सारी चीजें मैं खुद जा चुका हूं ये खुद जा चुका हूं इतने सालों में भैया मैं कई कई मैं कई सारे एरियाज में मैंने आपको बताया कई सारे एरियाज में रह चुका हूं तो मैं दिल्ली का जू बेस्ट जू है और ये डेटा भी कहता है ठीक है और लार्जेस्ट जू कौन सा है बच्चे आपका क्रूगर जू जहां पर आपके सारे एक्ट्रेस एक्ट्रेस जाते नहीं है जो दिखाते हैं ओ हम लोग साउथ अफ्रीका गए ओ माई गॉड साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका तो बेटा लार्जेस्ट जू कहां पे क्रूगर जू है साउथ अफ्रीका क्रूगर जू साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा जू है ठीक है लार्जेस्ट जू और सबसे अच्छा मानता हूं बहुत मैंने उसकी तो वीडियोस देखी मैं गया नहीं हूं कभी यहां पे नहीं गया यहां पे नहीं गया लेकिन बहुत वीडियोस देखी ठीक है तो ये हो गया कौन सा बच्चे आपका नवा पॉइंट हो गया आपका जुलॉजिकल पार्क अब आते हैं बच्चे आपका दसवें पे और आखिरी पे वो क्या है बच्चों की कुंजी हिंदी में बोले तो कुंजी की यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं बच्चों इसके अंदर हमें एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं और उसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं सेट ऑफ कैरेक्टर आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इसको हम यूज करते हैं दोनों के आइडेंटिफिकेशन के लिए आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्लांट एंड एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं ठीक है, है? इसमें बेसिकली uh, क्या, इस क्या हो रहा है सेट्स ऑफ कैरेक्टर ये सब एनसीआरटी की ही लाइन है बच्चों कुछ भी एनसीआरटी के बियॉन्ड नहीं है सेट ऑफ कैरेक्टर आर अरेंज्ड इन सिक्वेंशनल ऑर्डर

अब साथ में क्या ले रहा हूँ पैरेट हो गया चलो ये दोनों उड़ सकते हैं फिर नॉकटर्नल और वो ले लेते ले हैं डाइनल को ले लेते हैं टाइगर टाइगर एंड कैंगू रैट कैंगरू रैट बच्चे रात में निकलता है ठीक है ये एक रैट की वो है स्पीशीज है कैंगरू रैट ठीक है मैं इन चार को ले लेता हूँ अब अगर मैं इन चारों को देखू इन चारों को देखूँ तो मैं सबसे पहले इनको मैं कुछ पार्ट्स पे डिवाइड कर सकता हूँ कुछ पार्ट्स में क्या कर सकता हूं बच्चों डिवाइड कर सकता हूं इसमें से क्या है कुछ सारे एनिमल्स है दूसरे जो फ्लाई ना कर सके तो फ्लाई कौन कौन से कर सकते हैं बच्चे आपके पैरेट एंड बैट पैर बैट को हम क्या कर सकते हैं ये बोल सकते हैं कि फ्लाई कर सकते हैं फ्लाई कौन से नहीं कर सकते बच्चे आपके टाइगर कभी भी फ्लाई नहीं कर सकता भैया कभी उड़, उड़ते हुए नहीं देखा मैंने ना ही उड़ते हुए देखा ठीक है अब अगर हम इनको भी देखें इनको और फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनको हम अदर देख सकते हैं बच्चों कौन से आपके नॉक्टोनल है नॉकटोनल बोले तो जो रात में उगते हैं उठते हैं और कौन से डायरेनल हैं जो कि दिन में सोते हैं दिन में जगह रहते हैं

कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों कपलेट कहते हैं और ईच स्टेटमेंट ईच स्टेटमेंट हर स्टेटमेंट ईच स्टेटमेंट ऑफ की हर स्टेटमेंट एक एक स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों एक एक स्टेटमेंट जो भी आता है इसके अंदर में उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों लीड ईच स्टेटमेंट इनकी हर स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं उसको हम बुलाते हैं लीड तो भैया समझ में आया कि नहीं मगज में छाया कि नहीं भैया अपना मगज में छाया कि नहीं फेमस करेंगे ठीक है समझ में आया क्या बच्चों के मगज में छाया कि नहीं अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं क्विज नंबर थ्री क्विज नंबर थ्री मैं आपके सभी कमेंट जरूर चेक करूंगा आंसर जरूर करना है तो क्विज थ्री का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों फटाफट -फड़ से आंसर करेंगे सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बच्चे यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ठीक है

तो बच्चों फाइनली होता है आपका यहां पे चैप्टर फिनिश ठीक है फाइनली बच्चे आपका चैप्टर फिनिश है और हां अब तक तो आपने लाइक बटन तो दबा ही दिया होगा लाइक बटन दबा दिया है कि नहीं भैया सब्सक्राइब बटन अगर अभी भी रेड है इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गो एंड सब्सक्राइब ताकि आप इसी तरीके से सारे लेक्चर्स को पा सको और भैया आपको अगर नोट्स चाहिए डीपीपीस चाहिए तो आपको क्या करना है बच्चे हमारे टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल नीट नीट को फड़ पढ़ ले, नीट को ज्वाइन ज्वाइन करना पड़ेगा जाओ फटाफट से में करेंगे ठीक है और कमेंट सेगमेंट में बच्चे सारे के सारे आंसर जरूर करेंगे और अपना समझ में आया क्या मगज में छाया कि नहीं ये भी प्रचलित करेंगे ठीक है बच्चों तो चलो बच्चों फाइनली ये चैप्टर भी खत्म होता है तो मैं आपका टीचर सलमान अनवर खान आप सभी से अलविदा लेता हूं थैंक यू स्टूडेंट्स बाय स्टूडेंट्स